अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर ऑफ डे ऑफ PSL 8 और कल से शुरू होगा नॉकआउट स्टेजेस और कल खेला जाएगा पहला क्वालिफायर, देन एलिमिनेटर 1 एंड एलिमिनेटर 2 और हमारे पास फिर आ जाएंगे फाइनलिस्ट। मगर आज और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन। कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्या गलत किया क्या नहीं किया, वील हैव अ लुक बैक ऑन PSL 8 जो कि अभी तक सब कुछ हुआ है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़र। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, इट्स द सेकंड डे ऑफ दिस ब्रेक और जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, द विड्रॉल इज स्टिल क्वाइट सिवियर और दूसरा देना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिस टू शैल पास। तो एक दिन गुजर गया, एक दिन और गुजर जाएगा इंशाल्लाह। कल जैसे कि सवेरे ने बताया कल मैच होना है एंड यस 4 क्रैकर ऑफ द गेम्स दैट आर देयर, जिसके बाद इवेंचुअली PSL 8 का फाते जो है वो डिसाइड हो जाएगा। सो अभी हम ऐसा करते हैं कि पहले लाहौर की भी अपनी टीम को इन कर देते हैं, बट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इन टुडे प्रोग्राम। आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जिस तरह कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बहुत मजेदार डिस्कशन किया था ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स जो कि दैट इज क्रिएटिंग द नॉइज, आज जरा जैसे कि सवरा ने बताया वी लुक बैक एट टू टीम्स इन पर्टिकुलर हु आर राइट नाउ आउट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। बाकी टीमें भी मौका मिला तो कर लेंगे बात, लेकिन दे आर स्टिल देयर, सो यू नेवर नो, अ सीक्रेट सुपर स्टार मे बी समवेयर हाइडिंग जो कि अपना गेम दिखाएगा इन दीज प्लेऑफ्स। सो लाहौर में हमारे साथ मौजूद है इमाम एंड इरम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। इमाम, आज इन्होंने जानबूझ के मुझे पहले से आपके कोई सैंडविचेस और खाना पीना नहीं दिखाया। नहीं यार, लेट आया, ये लेट हो गया। अच्छा, अभी तक आया ही नहीं, तबीयत सही है आपकी? इमाम आते ही खाने के। बोल दी बात इरम ने, बुला कर। ठीक है, सो यस, मेरा ख्याल से हमारे थोड़ी देर में मैं बोल रही हूं तो अभी तक मेरा वन पॉइंट हो चुका है। इमाम जीरो पे है। ये अच्छा, इमाम कर देगा बराबर। ये चल रहा है सिलसिला, एक PSL 8 तो चल ही रहा है, यहाँ पे एक और मुकाबला शुरू हो गया है। बट थोड़ी देर में हमें जो है वो लाला और मिसबा भी ज्वाइन इन करेंगे जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त कतर में। मतलब जो वहाँ से वीडियोज आए जा रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है देख के। ऐसा लग रहा है लाला, मिसबा, शुएब अख्तर हो गए, रजाक हो गए, दे आर रीलिविंग देयर यूथ। नहीं, लाइफ की इस स्टेज में आके भी इस तरह जवानों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। वैसे ये आएंगे तो फिर हम इनसे जरा पूछेंगे भी। बचपन के दिन अपने एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वाकई एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने बचपन के दिन, बचपन में देखें, इनमें से कोई भी बचपन का नहीं है, किसी को बोलेगा भी मत, आप बहुत ऑफेंड हो जाएंगे ये। लेकिन लेकिन भाई नहीं है इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ, जैसे ही आएंगे चुप। नहीं, हम सब बताएंगे, हम सब नोट कर रहे हैं अभी लाला को ना, हमारे प्रोड्यूसर सब नोट कर रहे होते हैं, सब बताते हैं इरम ने ये चार बातें की हैं लाला, तो वो है सिलसिला। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ऑन द फील्ड दीज बॉयज हैव बीन डूइंग रियली गुड एज वेल, अपने दोनों मैचेस जो हैं जीतने में कामयाब हो गए, दे विल बी प्लेइंग इन द फाइनल ऑलरेडी। आई थिंक एक आज जीतना जरूरी है, आज इंडिया महाराजा से फिर से उनका मैच है। अच्छा, ये डबल लीग की बुनियाद पे हो रहा है ये मैच? बिल्कुल बिल्कुल, तीन ही तो टीम है तो इसलिए जो है डबल राउंड रॉबिन की तरीके से हो रहे हैं। सो यस, जब तक वो ज्वाइन इन नहीं करते तब तक जो है जिस तरह हम PSL के विड्रॉल की बात कर रहे हैं, इमाम यू मिसिंग, ये जो दो दिन थे इसमें कुछ था ही नहीं देखने को। मतलब ये शो करके वाकई मैं घर भी जाती हूँ तो मेरे पास कुछ देखने को नहीं है कोई मैच। जी बिल्कुल, देखें आप जैसे हमने पहले दिन शो में बात की थी कि PSL एक हमारा अपना ब्रांड है तो इसको हम ओन करते हैं, तो एक तरह का ये फैमिली फेस्टिवल है कि शाम को रात को जब 7 बजे मैच शुरू होता है तो जब लोग ऑफिस से आ जाते हैं और सारी घर की जो लेडीज़ हैं वो भी अपना काम करके फ्री हो जाते हैं तो ये सब इसको इन्जॉय करते हैं, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान की एक लीग है, इन दी एंड सबकी अपनी फेवरेट्स टीम है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का ब्रांड है, कोई हारे कोई जीते, तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे एक मेला सा लगा हुआ था पूरा महीने का। और ये वाकई लिटरली हम खेलते भी हैं तो हम भी फील करते हैं, वन दो हम नहीं खेल रहे तो ऐसा होता है कि यार दो दिन से हुआ है कोई मैच नहीं आ रहा, कोई वो नहीं हो रहा, कोई मज़े की चीज़ नहीं हो रही, तो देखें बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों ने इसको एक जगह दी, एक स्पेशल प्लेस है PSL की लोगों के दिलों में। पूरा साल देखिए सारे हम अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, जब पाकिस्तान की क्रिकेट होती है, टेस्ट सीरीज़ हमारी इतनी अच्छी नहीं गई, फिर वनडे थी, उसके पहले वर्ल्ड कप था, तो काफ़ी लंबा पाकिस्तान का होता है, तो उसमें जो है आवाम इंजॉय तो करती है लेकिन साथ में परेशान भी रहती है, क्योंकि जब पाकिस्तान
मैच हारता है या अच्छी चीज़ें नहीं होती तो उसमें फिर उनको दुख होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई चक्कर है नहीं। इसमें ये होता है कि सिर्फ इन्जॉय का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर क्या होता है कि लोकल प्लेयर्स जो जितने भी खेलते हैं सारे हमारे जो हैं वो आपस में भी खेलते हैं, अगेंस्ट भी खेलते हैं, वो एक राइवलरी सी भी लोगों को अच्छी लगती है और लोगों का मैचअप अच्छा लगता है। तो बिल्कुल ये बात है कि दो दिन ऐसा होता है कि दो दिन अगर PSL ना हो तो ऐसा लगता है कि खाली खाली सा दिन गुजरा, यार आज मैच होना चाहिए था। और लिटरली जब 19th के बाद होता है तो पहला उसके बाद एक हफ्ता आप ऐसा लगता है थोड़ा सा यार कि ये क्या हो गया एकदम ना, एक हफ्ता लगता है आपको उस अटैचमेंट में वापस जाने के लिए कि यार अब नॉर्मल है लाइफ, तो वो एक ऐसी फीलिंग आती है बिल्कुल। जैसे ईद के पहले दिनों में ऐसा लगता है ना, आप पानी पीते हैं अचानक आपको ख्याल आता है मेरा रोजा तो नहीं है, तो वही होता है कि आप बेइख्तियार आपके हाथ रिमोट की तरफ बढ़ते हैं मैच लगाने के लिए, पता चलता है कि जी PSL तो खत्म हो चुकी है। लाला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इस वक्त, लाला को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सारों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लाला आपके आने से पहले पता नहीं इरम क्या क्या बोल रही थी, आपने सुना ही नहीं, पता नहीं आपको हम बतवाते हैं अभी मैसेज भिजवाते हैं आपको, पता नहीं कहीं थी, लाला नहीं आ रहा इसलिए मैं बोल रहा हूं। इरम बोल नहीं रही, इरम की परफॉर्मेंस बोल रही है, इसने जो परफॉर्म किया ना थोड़ा बहुत वो बातें कर रही है इसलिए। परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह लाला आपकी बड़ी जबरदस्त, परफॉर्मेंस तो बड़ी जबरदस्त रही लाला आपकी। कल जो है 2 ओवर 11 रन और 2 विकेटें मेरे ख्याल से। ओह जी, मैंने कल क्रिस गेल को मेन विकेट ली है मैंने जी, पर क्रिस गेल ने फिर आपकी विकेट भी ली। हाँ यार, अब मैं इस कमर के साथ बाउंड्री लाइन तक ही बॉल पहुंचा सकता हूँ, उसे बाहर नहीं कर पाता। नहीं बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस लाला, मुझे ऐसा लग रहा है बस वन मोर मैच एंड यस हम फाइनल में आप लोगों को खेलते हुए देखेंगे एंड इनफैक्ट जीतते हुए देखेंगे। माँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह, अच्छा खेल रहे हैं सारे लड़के, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पर मिसबा की परफॉर्मेंस की तो मैं जितनी तारीफ करूँ ना, ऐसे तो नहीं बैठे हुए बातें करता रहता है हर वक्त, तो मेरा ख्याल डिलीवर भी कर रहा है वो, बड़ी उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो कल की जो खासतौर पर बैटिंग, नो डाउट पहला मैच, लेकिन दूसरा मैच जिस तरह का पिच था उसने जो परफॉर्म किया, जो छक्के मारे उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हमने अच्छा टोटल कर लिया था। ग्रेट, चलें जी हमारे पास अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है, ज़रा ये आपको बता चलें, नजम सेठी साहब ने अभी किया है और अफगानिस्तान की सीरीज़ की टीम की तो अनाउंसमेंट हो गई थी, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो बैक ऑफिस स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उसका भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। एंड वेल सरप्राइज सरप्राइज, अब्दुल रहमान इज नेम द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द टूर ऑफ शारजा। उमर गुल विल बी द बॉलिंग कोच, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच एंड अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच, ड्रिकस साइमन ट्रेनर, क्लिफ डेकन फिजियो, तलहा इजाज एनालिस्ट, मंसूर राणा मैनेजर एंड एहसन नागी जो है वो मीडिया देखेंगे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई थिंक अब्दुल रहमान अपॉइंटमेंट एज हेड कोच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, बट चैलेंज ही नाइस, वी आर रिलाइंग ऑन आर ओन कोचेस। बिल्कुल, सो ये मिसबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ग्रेट इनिंग सर यस्टरडे, सर छा गए आप, मजा आया सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अभी भी दम है सर, मुझे वो शेर वो ना वो याद आ गया, मिसरा भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, सर कमाल है, छा गए सर, वेल प्ले। मैंने भी बैटिंग देखी, बहुत मजा आया। मैं इस चीज को एग्री करती हूं कि आप मेरे मेंटोर हैं। ओह चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, चले जी ग्रेट। So yes, अभी जिस तरह कोचिंग स्टाफ का ये ऐलान हुआ है जो अफगानिस्तान के लिए जाएगी, क्योंकि अभी तक मिकी आथर से, अभी भी नजम सेठी ने अभी पिछली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि नजम अभी भी मिकी आथर से जो है वो डिस्कशन चल रही है, अभी भी शायद कोई इश्यूज हैं, कुछ प्लान्स हैं, कुछ हैं। सो लाला सैटिस्फाइड हैं आप इस कोचिंग स्टाफ से? ठीक है जी, ठीक है, अभी फिलहाल मेरे ख्याल में एस एच इनका लॉन्ग टर्म इस टीम के साथ जो मैनेजमेंट अनाउंस किया, मेरा नहीं ख्याल कि एस एच कोई आगे के प्लान्स होंगे इनके, ये अफगानिस्तान जिस तरह टीम अनाउंस की है तो मेरे ख्याल में इन्होंने भी अभी कहा है कि चलो अभी इस टूर को होने दो, ये 3 मैचेस हो जाए। लेकिन हाँ ये है कि मैं उसके उमर गुल के लिए खुश हूँ, आई मीन के उसको एज अ बॉलिंग कोच और डिलीवरी वो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करता है वो लड़का, और नो डाउट उसने अफगानिस्तान के साथ भी बड़ा काम किया है काफी अरसे से, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी सर्कल में भी है, तो इट्स अ गुड डिसीजन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी काम किया तो मिसबा उस बात का एडवांटेज उठा सकते हैं, क्योंकि एक बंदा जो कि एक टीम के इनर सर्कल में होता है उसको पता होता है कि क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है, सो उसका फायदा हम उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनसाइड आउट हर चीज आपको पता होती है, आपको साइकोलॉजिकली भी पता होता है प्लेयर्स का कि किसको क्या
आपने कैसे बॉलिंग करनी है या किसको कैसे आपने इवन बैटिंग भी सर्टन बॉलर्स के अगेंस्ट कैसे टैकल करना है, क्योंकि टीम मीटिंग्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। रियली हैप्पी कि हम लोग जो है वो वैल्यू कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, और फिर वो कोचिंग में भी अब तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और सबको पता है कि वो किस तरह का बॉलर था, कैसे कैसे उसने मैचेस पाकिस्तान को जिताए। और एक चीज़ जो पाकिस्तान की टीम में थोड़ा सा लैग करना हम शुरू हो गए थे डेथ बॉलिंग में, उस तरीके से रिवर्स स्विंग, वो उमर गुल मेरे ख्याल में वन ऑफ द फाइनेस्ट आप कह सकते हैं। आपको 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी याद होगा, 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी याद होगा, और ऐसा कंप्लीट बॉलर जो हर तरह की सिचुएशन हर तरह की पिच पे अच्छी बॉलिंग करना जानता था, मैच विनर था। तो वो सारी चीजें वो इन यंगस्टर्स में उनके साथ ट्रांसफर कर सकता है। उसके अंडर आप देखेंगे अफगानिस्तान की भी इवन फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखें, बैटरी उनकी अब आना शुरू हो गई है, उनके बॉलर्स बेहतर हुए हैं। पहले वो सिर्फ स्पिन पे रिलाय करते थे, बट अब अगर देखें आप फारूकी है फिर नवीन उल हक है, ये सारे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स गुड। अब्दुल रहमान के लिए भी आई थिंक इट्स गुड। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपने रिसोर्सेज को वैल्यू करे, एक बंदा इतने अरसे से नीचे परफॉर्मेंस दे रहा है, प्लेयर्स आ रहे हैं अच्छी, उसकी उसका टेम्परमेंट भी अच्छा है, उसकी उसकी ओवरऑल जो कमिटमेंट है कोचिंग के लिए, उसको ज़रूर आपको जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो इनक्रेज करती हैं आपके अपने लोगों को इस प्रोफेशन में आने के लिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, स्ट्रेचर नहीं है उसका, ये वो, तो भाई नहीं जी वो नहीं कोच हो सकता। भाई वो कोचिंग में जो कुछ कर रहा है उसकी डेवलपमेंट, उसको आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल स्टेप कि उसको आपने ये मिथ भी खत्म होगी, ये जो हमने बनाया हुआ था कि नहीं कोई ऐसा बंदा कोचिंग पे नहीं आ सकता, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। या वेरी नाइस। और ज़ाहिर है ये तो क्रिकेट हो फुटबॉल हो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, हमें ये बात क्लियर है कि जी आपके करियर का जो है वो आपकी कोचिंग स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी भी ग्रेटनेस हो आपकी की एज अ क्रिकेटर। लेकिन बहरहाल जी हमारी स्क्रीन पे ग्रेट प्लेयर जो है वो और नमूदार हो गए हैं, इंजी भाई को हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में जोर का जोर। इंजी भाई वेलकम बैक। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सारों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। इंजी भाई पेशावर जलमी कि जो दो शिकस्त आई उसके बाद ऐसा लगा आप हमें भूल गए। असल में ना वो प्रैक्टिस में चले गए थे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस का हमें बड़ा महसूस हुआ कि जी हमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। तो एक तो दो दिन वो मैचेस होते रहे, और एक जो बीच वाला गैप का दिन था उस दिन भी हमारी प्रैक्टिस थी, और एक दिन ना हमारी ट्रेवलिंग थी इसलिए मैं आ नहीं सका। तो वरना मुझे भी याद आ रही थी कि जी हाँ के जो मैं बातें उधर नहीं कर सकता तो वो मैं इधर भी कर देता हूँ, लास्ट टाइम वो ये सुन के भी मेरी बात सुन लेते हैं कि जी। तो नहीं हम जरा ये सोच रहे थे पता नहीं इंजी भाई कोई गुस्से में ना हो क्या हो गया पता नहीं। इमाम ने तो हमें वार्न कर दिया था कि नहीं अब जो है ना ज्यादा कोई बात बात ना कीजिएगा आप चाचू से, बिकॉज़ अब तो वो गुस्से में होंगे। मुबारक हो माशाल्लाह पेशावर जलमी का नौजवान साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। जाहिर है हमने काफी इस हवाले से बातचीत भी की थी कि साइम को कितनी जल्दी टीम में लाना चाहिए या अभी फिलहाल उसको खिलाना चाहिए। आई मीन मुख्तसर दौरा है, 3 T20s हैं, लेकिन चलें जी अच्छी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग के परफॉर्मर्स को जो है वो ये जगह दी। कल के प्रोग्राम में काफी तफसीली बात की थी, आप वहाँ पे थे नहीं, सो ओवरऑल मुतमईन है आप पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से जो दौरा है या दौरा शारजा के लिए? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक परफॉर्मर्स को इन्होंने जगह दी है, चलो ये एक अच्छी चीज है। हाँ ये बड़ा जरूरी सवाल है इस चीज पे कि आपको यंगस्टर्स को है ना किस टाइम मौका देना चाहिए। सही। कि ये सिलेक्टर्स को जरूर महसूस करना चाहिए कि अब ये पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि अक्सर ये भी हुआ है कि जी आपने ना बहुत अच्छे यंगस्टर्स को आपने उनको वक्त से पहले खिला दिया तो उनका कॉन्फिडेंस है ना थोड़ा सा शेक हो गया, जिसका बास तो ऐसे थे जो सारी जिंदगी अपना वो हासिल नहीं कर सके दोबारा। बिल्कुल। तो मैं उसका नाम लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा पसंद भी था वो प्लेयर, एक हसन रजा प्लेयर होता था, एक कराची का प्लेयर होता था शादाब खान, शादाब कबीर, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर होते थे, इनको वक्त से पहले खिला के ना तो कर दिया, लेकिन चलो ये यहाँ खेल रहे हैं बड़ा अच्छा है क्योंकि जी ये दोनों खेल रहे हैं, और जिस तरह स्टाफ अनाउंस किया है वो भी यंग किया है,
और उसके लिहाज से ये बड़ा अच्छा है कि जिस तरह अब्दुल रहमान है या उमर गुल है कि ये इन लड़कों के साथ काम कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा है कि ये इनके जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, इनको पता है कि इनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अब्दुल रहमान का बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, जिस तरह अभी मिस्बा कह रहे थे कि इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है या नहीं खेली, ये हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए देखते थे मिस्बा, बाहर से गोरे बड़े आए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेली हुई तो वो हमारे से कोचिंग करते रहे हैं, तो ये अच्छा है कि पाकिस्तान ने ना पाकिस्तानियों के लिए भी ये कर दिया। अगर कोई आदमी बिल्कुल कोचिंग में अच्छा काम कर रहा है और अच्छा डिलीवर कर रहा है तो उसको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और गुड लक है इस चीज के लिए कि हमारे जो ये नए लड़के हैं, नया कोचिंग स्टाफ है, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा हमारा। और एक चीज बहुत अहम है, जिन पांच लोगों को रेस्ट दिया है ना तो उनको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उनकी मर्जी से ये चीजें होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस है ना उनका रहना चाहिए। ये नहीं कहा कि जिस टाइम वो वापसी आए तो थोड़ा सा जरा मुश्किल हो पाकिस्तान में ना, ये चीज थोड़ी सी जो लड़कों को रेस्ट दिया जाते हैं वो अपने आप को इतना सेफ महसूस नहीं करते, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में लेना ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे मेन प्लेयर भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे से सर्व किया है। बिल्कुल इंजी भाई, फिर मतलब फिर आपसे ये पूछना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैलिड होगा क्योंकि इस वक्त आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं, बाबर आपकी टीम के अंडर आपकी टीम में खेल रहा है, लीड कर रहा है, इतनी सारी जो अफवाहें हैं, मतलब मैं तो जब तक वो सोर्सेज से बात आती जब तक सॉलिडली नहीं आती, आई वुड से अफवाहें हैं कि बाबर से बात नहीं की गई थी और जो सारा एक पूरा जो पिछले चार दिनों से ड्रामा चल रहा था, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरे ख्याल में इन्होंने काफी सारे प्लेयर से ना बात भी की थी कि जी मेरे ख्याल में शहदाब के अलावा किसी और से भी बात की थी कि जी अगर उसको कप्तानी दी जाए उसको दी जाए। तो ये आप बैठ के ना, अगर आप अपने कप्तान के साथ ही बैठ के याली चीज करते कि जी हम कुछ नए लड़कों को देखना चाह रहे हैं तो कौन से लड़के हैं, कि अब कप्तान से भी ये पूछना चाहिए कि लड़के कौन से हैं। बिल्कुल सही बात, तो ये बड़ा जरूरी चीज है इस चीज की। ये मैंने ये 2017-18 का वर्ल्ड कप था या 19 का वर्ल्ड कप था उससे पहले मैंने 9 लड़कों को रेस्ट दिया था जी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ये लड़के मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे, कोई 3.5 महीने हो गए थे लड़के अपने घर नहीं गए हुए थे, तो मैंने 9 लड़कों को रेस्ट दिया था, उस टाइम मैं सिलेक्शन में था जी। तो लेकिन मैंने ये कहा कि सरफराज के साथ बैठ के ना कि जी उसको कि भाई आपने ना किस लड़कों को है ना रेस्ट देना है, किसको हमने खिलाना है, उसमें रिजवान ने भी 2 सेंचुरियां की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां मैंने मिकी आर्थर को भी ये कहा था कि मिकी आर्थर तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए और जो हमारा दूसरा स्टाफ है उसको भी रेस्ट करना चाहिए क्योंकि अब ये मिस्बा ने कोचिंग अब की है तो इसको भी आइडिया होगा कि जिस टाइम ये भी सीरीज पूरी करते इन पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बल्कि खेलने से ज्यादा आपको स्ट्रेस होता है कि जो कोचेज वगैरह होते हैं उनको भी रेस्ट की जरूरत होती है, तो रेस्ट आपको देना चाहिए लेकिन अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनसे पूछ के देना चाहिए कि जी आपने किन लड़कों को ट्राई करना है, कल किन लड़कों को आप देख रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल में ये वाला प्रोसीजर किया नहीं गया, तो अगर किया गया होता तो मेरे ख्याल में सारों को पता होना चाहिए था ये। जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन, हम बार बार कहते हैं कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट में, इस वजह से प्लेयर्स भी इनसिक्योर होते हैं, कम्युनिकेशन भी नहीं होता। दो के कल सेठी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसलसल बाबर को बहुत सपोर्ट दिखाया और बहुत ये कहा कि नहीं जी वही हमारे कप्तान है, बट मैं कुछ साल पीछे जाती हूँ तो मुझे ये याद आता है कि एहसान मानी ने सरफराज को बराबर बिठा के कहा था कि ये हमारा कप्तान है, ये हमारा कप्तान है। जी इंजी भाई जी जी, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली बात इतनी दफा कहने की जरूरत क्यों पेश आई? Exactly. यही कि जी यही हमारा कप्तान है, ऐसी कोई चीज नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली बात इतनी कहने की जरूरत थी। तो इसका मतलब है कि जी बीच में एनसी भाई होता यह है कि क्योंकि हम जब खेलते थे तो बहुत सारी चीजें जो सोर्सेस की बातें होती है ना, प्रॉब्लम बोर्ड के अंदर से होता है, बोर्ड के अंदर से चीजें निकलती हैं, मुख्तलिफ मुंह से मुख्तलिफ बातें निकलती हैं, तो सोर्सेस क्या होती हैं? पीसीबी के अंदर से ये सारी चीजें निकलती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है और चेयरमैन को ये बातें करनी पड़ जाती हैं। फिर
लाला प्लेयर्स खुद भी तो सोर्स होते हैं ना, हर प्लेयर का अपना एक ग्रुप होता है जर्नलिस्ट का जिनके वो बड़ा करीब होते हैं और ज़ाहिर है अंदर की खबरें वहाँ पे आ भी रही होती हैं। देखें कितनी अजीब सी बात होती है ना, हम तो मजाक में ये बोलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी कोई अफवाह नहीं होती, और अभी जो ज़ाहिर खबर मार्केट में आ रही है और इंजी भाई ने जिसका थोड़ा सा हिंट भी दिया है कि शायद किसी और खिलाड़ी को भी कप्तानी की ऑफर दी गई थी और उसने स्टेप बैक किया है कि नहीं जी मैं कप्तान नहीं करना चाहता, उसी के कप्तानी नहीं करना चाहता, उसी के इन पैरेलल जो है ट्विटर पे एक तस्वीर भी अपलोड होती है जिसमें वो चार खिलाड़ी जो हैं वो खड़े हुए नजर आते हैं। आई मीन आई थिंक प्लेयर्स यू कनेक्ट द डॉट्स, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, आई थिंक वी ऑल कैन कनेक्ट, एवरीथिंग इज नॉट रोजी आउट देयर, हर चीज वो है नहीं जितना पुरएतमाद सेठी साहब नजर आ रहे थे, हर चीज शायद इतनी कंफर्टेबल है भी नहीं, वल्ला आलम जी। मेरे ख्याल से आई थिंक देखिए अभी जैसे आदिल बात कर रहे हैं, जी 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 आदिल बात कर रहे हैं, सॉरी इंसी भाई आप प्लीज आप बात करें पहले, नहीं नहीं प्लीज प्लीज शायद आप कहो, आपके बात कहता हूं। वो अभी जैसे सवेरा से भी मेरी बात हो रही थी, उस दिन भी कह रहे थे कि शायद जो है वो लॉबिंग कर रहा है शाहीन के लिए ये वो ना, खैर मेरा तो क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना मैं इन कामों में पढ़ता हूँ, बल्कि सवेरा को मैंने कहा भी था कि मैं तो शाहीन को दूर ही रखने की कोशिश करता हूँ कि कप्तानी से दूर रहो, अपनी क्रिकेट पर फोकस करो साल दो साल। देखें अभी शाहीन से मेरी अभी कुछ चार पांच दिन बाद अब आज बात हुई है मेरी, और मैंने उससे पूछा कि क्या है ये सारा कुछ, कहते लाला मुझसे तो अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि आपने कप्तानी करनी है और कोई ऑफर मुझे हुई है, कह रहा मेरी कोई ऑफर नहीं, मैंने पीएसएल के बीच में ही सोच लिया था कि मैंने अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट करना है, मैंने तो खेलना भी नहीं था, ठीक है ना, मैंने खेलना भी नहीं था, मैंने रेस्ट करना, मैंने वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी, मेरी नी पे लोड आ रहा है, मैं चाह रहा था कि रेस्ट भी करूं और आफ्टर पीएसएल मैं अपनी ट्रेनिंग्स दोबारा शुरू करूं, रिहैब दोबारा शुरू करूं ताकि वर्ल्ड कप में स्ट्रांग हो जाऊं। right. तो हां तो ये जो बातें निकलती हैं अंदर से निकलती हैं जी, अंदर से निकलती हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल ये बिल्कुल शायद सही कह रहा होगा जी शाहीन का यही होगा, लेकिन असल में ये होता है कि जिस टाइम आप है ना किसी को चेंज करना होता है ना तो आप एक खबर मार्केट में छोड़ते हैं कि रिएक्शन देखते हैं कि जी इसका क्या आता है, बिल्कुल, क्योंकि जी आपको अगर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ गया तो आप है ना उसको जरा थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, और अगर आपको कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आता तो ये सारी चीजें अंदर से ही चल रही होती है, बिल्कुल शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अंदर से ही बोर्ड के ही कुछ लोग होते हैं तो वो इस तरह की चीजें करते हैं जिसमें बाद में मुश्किल भी हो जाती है। बिल्कुल ये तो इंजी भाई खास अदा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि पहले जो है एक असल खबर जो है उसको रोटेट कर दिया जाता है, जब रिएक्शन बहुत फियर्स आता है तो वो इधर से उधर जरा कुछ चेंज हो जाता है या कुछ होता है, बट यस ऑल इन ऑल एक अच्छा स्क्वाड है अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, बहुत कम लोगों को इस पर रिजर्वेशन है, लोग सेटिस्फाइड हैं, और एक अच्छी सोच है जो भी सोच जो हारून रशीद साहब ने सामने रखी, दैट इज़ अ रियली गुड थॉट प्रोसेस कि हाँ जी इस वक्त T20 हमारे पास मौका है कि हम अपने लड़कों को चांस दें और ये लड़के जो है ये हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस करके दें। हाँ। इंजी भाई आपसे एक सवाल है बिफोर हम इस टॉपिक को चेंज करें, एक फाइनल क्वेश्चन जरा, बिकॉज आप ज़ाहिर पेशावर ज़ल्मी आपकी टीम के कप्तान भी हैं बाबर आजम, और ये भी खबरें आई थी कि बाबर शायद दिल से तैयार नहीं थे इस रेस्ट को लेने को, ही वांटेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान, खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, बाबर का अपना मुराल कैसा है एनजी भाई, कोई उन पे इसका असर तो हम तो भी दुआ करते हैं ना पड़ाओ, लेकिन आप भी कंफर्म कर दीजिए हमें। देखिए जितना बड़ा प्लेयर है मेरा नहीं ख्याल कि जो उसको कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना पड़ा होगा ना पड़ना चाहिए उसको, इसको बड़े दिल से लेना चाहिए और ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए बाबर को, लेकिन अगर आप उसको कॉन्फिडेंस में, मेरी बात नहीं हुई ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि जी मेरा ये ख्याल है कि अगर आप कप्तान को कॉन्फिडेंस में लेके करते और अपने सीनियर प्लेयर्स को लेके करते तो ज्यादा बेहतर होता, और अगर शायद अगर बोर्ड ने यह एक्सरसाइज की हो तो मुझे आइडिया ना हो इसका, लेकिन इनका तरीकाकार ये है जी। और दूसरा ये कि जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं और जो इन्होंने दिया है बड़ा अच्छा किया है कि जी यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है इसमें, तो मेरे ख्याल में कि जी सारे हैप्पी हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल जी, सो अब हम मूव ऑन करते हैं PSL 8, दो दिन का गैप PSL 8 में, बट थोड़ा सा लुक बैक करते हैं कि हुआ क्या, किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, किसने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उस हवाले से बात होगी। अगर पहले टॉप परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा रन कौन सा प्लेयर जोड़ चुका है, मोस्ट रन By the players, top 5 की हम देंगे कि इस वक्त अभी तक जो लीग मैचेस हुए उसमें PSL 8 में टॉप बैटर्स कौन से थे। जी अदील, हाँ जी बिल्कुल, PSL 8 में अब तक ऑफ कोर्स नॉट अ बिग सरप्राइज देयर, रिजवान इज लीडिंग दिस लिस्ट, 10 मैचेस में
483 रन बनाए हैं, हाईएस्ट ऑफ 110 एंड एवरेज ऑफ 60.37, व्हिच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर एन ओपनिंग बैट्समैन ऑफ कोर्स। स्ट्राइक रेट 145, 46 चौके लगाए हैं और 14 छक्के लगाने में कामयाब हुए हैं रिजवान। नंबर दो पे बाबर हैं, 9 इनिंग्स में उनके 416 रन। बाबर हैज रियली पिक्ड अप इन द लेटर हाफ ऑफ द ग्रुप स्टेजेस, 52 की एवरेज, 146.47 की स्ट्राइक रेट। सो इम्प्रूवमेंट यहां पर भी बाबर ने शो की है। इनकी 450 हैं, 100 है, 47 बाउंड्रीज एंड 9 सिक्सेस देयर। दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट किस मिजाज के बैट्समैन बाबर हैं। 47 बाउंड्रीज इज ब्रिलियंट, वी नो दैट। इमाद वसीम की बात करें, 10 इनिंग्स में इमाद के 404 रन हैं, हाईएस्ट ऑफ 92, एवरेज ऑफ 134.66, विच एक्चुअली टेल्स यू के बहुत कम आउट हुए हैं ये काफी नॉट आउट गए, जिसकी वजह से इनकी एवरेज बहुत हाई है। बट हिज स्ट्राइक रेट इज 170.46, 350s लगाई, 16 छक्के और 41 चौके इसमें शामिल थे। राइली रूसो की बात करें, सो फाइनली वी हैव अ फॉरेन प्लेयर एंड विच इज अ गुड थिंग। इस बार पाकिस्तानी प्लेयर्स आर डोमिनेटिंग व्हेन इट कम्स टू रन्स। राइली रूसो की 9 इनिंग्स में 388 रन हैं, 121 उनका हाईएस्ट स्कोर, 48 की एवरेज, 176 का उनका स्ट्राइक रेट, 18 छक्के और 41 चौके उन्होंने लगाए। और पांचवें नंबर पर हैं फखर जमान, 10 इनिंग्स में 378 रन, एवरेज ऑफ 37.8, हाई ऑफ 115, 171 की स्ट्राइक रेट, 26 छक्के और 28 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं। 26 छक्के जो हैं वो फखर जमान ने लगाए हैं और विच इज द हाईएस्ट इन दिस टूर्नामेंट सो फार। बाकी नहीं है छक्का मारना, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 26 के 26 छक्के लगाए जा रहे हैं, वो द हाईएस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। अभी अगर हमें टॉप 5 बैटर्स के हवाले से बात करें, मिसबा मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगी, अच्छी बात यह है कि हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स दिख रहे हैं, हमें रिजवान टॉप पे दिख रहे हैं, बाबर दिख रहे हैं, इमाद उसके बाद दिखते हैं, एंड देन पांचवें नंबर पे फखर दिखते हैं। मगर एक कंसर्न जो मुझे यहाँ पे दिखता है कि हमें ये वो नाम है जो हम जानते हैं ऑलरेडी, मतलब ये हमारी रिजवान, वी नो द ब्रिलियंस ऑफ रिजवान, बाबर वी नो द ब्रिलियंस ऑफ बाबर। जो हम अपनी यंगर लॉट की बात कर रहे हैं, इधर वो तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वो इतने रन नहीं जोड़ सके कि वो मोस्ट रन में दिख रहे हों, क्या क्या रीजन आपको दिखती है? मतलब मैं तो सिर्फ ये रीजन फिगर आउट कर पाती हूँ। बात ठीक है आपकी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस प्लेयर है और आप देखेंगे पिछली 2-3 पे बाबर तो राइट फ्रॉम द पहला एक सीजन उसके बाद से अगर देखें तो कंसिस्टेंट रन स्कोरर है और वो ऐसा बैट्समैन है कि वो जिस तरीके से खेलता है, कंसिस्टेंसी इज द की। उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एवरेज सबके सामने, फिर रिजवान फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली उसको पता है कि अपनी गेम का फखर इज देयर, बट रेस्ट टाइम इज टाइम इमाद, दैट्स अ वेरी गुड साइन। जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया उस नंबर पे इतने रन्स करना और कंसिस्टेंटली करना और इतनी एवरेज और हाई स्ट्राइक रेट के साथ, दैट इज अमेजिंग। हाँ अफसोस ज़रूर होता है इस चीज़ में कि आप सिर्फ स्ट्राइक रेट ही सब कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सैम है या हम हारिस को रेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी जो है ना उसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। आज़म की जहाँ तक बात है, वो जिस नंबर पे खेलता है वो नंबर ऐसा है कि वहाँ पे आप उतने रन नहीं कर सकते कि जितने ये टॉप 5 टॉप 3 के प्लेयर्स करते हैं, बट आई थिंक उसका जो सीजन है, इम्पैक्ट है इस दफा PSL में, जो पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग, आपका लोअर मिडल ऑर्डर है या मिडल ऑर्डर है, वहाँ पे ही हमें मसले आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। तो आज़म और इमाद की जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो इम्पैक्ट है, दैट इज मोर देन आप कहेंगे गुड, क्योंकि इस नंबर पे रन्स करना ठीक है, उतने रन्स आप कभी भी नहीं करेंगे कि 400 या टॉप स्कोरर बन जाए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज उतने नहीं होते, ओवर कम मिलते हैं आपको, राइट। बट इम्पैक्ट उनका जो आया वो बड़ा ही पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छी खबर है और आई थिंक तो पाकिस्तान के लिए भी वो ये अगर करेंगे तो पाकिस्तान और ज्यादा बेहतर अंदाज में मैचेस जीतेगा और ज्यादा मैचेस जीतेगा। बिल्कुल
ओके, जरा इमाम आपका भी इनपुट लेते हैं, जाहिर है अगर हम इस बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से अब तक, लेकिन मैं देखिए ये तो टॉप के प्लेयर्स हो गए, बट अगर मैं आपसे आपकी ज़ाती पसंदीदगी का पूछूं, किस प्लेयर ने आपको वाकई सही मानों में मुतासिर किया? ही डजंट नीड टू बी अमंग द टॉप फाइव, लेकिन विच इज योर टॉप मैं बोलू ना यार, मैं आई एक्चुअली ट्यून इन द मैच टू वॉच दिस गाय बैट, वो कौन सा बैट्समैन आपके लिए था इमाम? देखें, दो तीन बैट्समैन थे कि क्या था कि मुझे स्पेशली इमाद वसीम की बहुत खुशी है क्योंकि वो जिस तरह पिछले 1.5 से 2 साल से जो था टीम से बाहर था, और जिस तरह मिसबा भाई ने बात की कि जिस नंबर पे वो खेलते हैं वहाँ पे इस एवरेज और इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है ये कोई आसान काम नहीं है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। अगर आप देखेंगे कुछ वो ये था कि उनकी बारी भी कुछ मैचेस में जल्दी आ जाती थी क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा इस दफ़ा नहीं था, वो क्लिक किया। तो मैं इमाद वसीम, मुझे ऐसा लगता है कि इमाद वसीम ने मुझे बहुत ज़्यादा, उनकी बैटिंग ने मुझे बहुत इंप्रेस किया और वो एक हंगरनेस शो की कि यार वो कम बैक करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसने अभी एक फील किया और दिखाया लोगों को कि यार अभी उसमें क्रिकेट बहुत मौजूद है और वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैचेस जीत सकता है। तो मुझे इमाद वसीम की बहुत खुशी है। दूसरा मुझे ये था कि ऑल्दो उसने इतने ज़्यादा रन्स तो नहीं किए, मगर ये था कि जब आप एक किसी प्लेयर को ना टैग कर देते ना कि ये टेस्ट प्लेयर है, जैसे अब्दुल्ला शफीक है कि वो भी पाकिस्तान से सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है, तो और हमारे यहाँ पर पता नहीं कौन, मुझे उस बंदे को मुझे ज़रूर जानना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, कि जो ये टैग कर देते हैं बिना सोचे समझे, कुछ समझ नहीं आता और ये टैग कर देते हैं, जब आपने किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, किसी ने खेला नहीं, तो आप टैग नहीं कर सकते किसी को। अगर किसी ने टेस्ट क्रिकेट खेली है तो आप उसको टेस्ट क्रिकेट में ही आप उसको जज करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि यार ये टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, आप ये कह सकते हैं कि यार इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि यार ये ओडीआई और T20 खेलने के लिए इसको अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को ये कहोगे कि यार ये टेस्ट क्रिकेट ही खेले बस, तो वो मुझे बात से मैं ज़्यादा एग्री नहीं करता। तो अब्दुल्ला शफीक के लिए मैं बहुत खुश हूँ, ऑल्दो उन्होंने अभी तक 1-2 इनिंग्स ही खेली हैं, लेकिन जिस तरह उनका इम्पैक्ट था गेम का और गेम अवेयरनेस थी और जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे थे, तो बहुत खूबसूरत और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लेकिन मिसबा भाई वाली बात की, अगर थोड़ा सा आप अगर इस 5 लिस्ट में देखेंगे तो जो प्लेयर्स इस दफ़ा पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हैं, ओपनर्स की बात करूंगा मैं या नंबर 3 की बात करूंगा, जैसे आज़म खान तो नीचे खेलते हैं तो वो बहुत मुश्किल है कि वो टॉप 5 में आएंगे, लेकिन शान हो गया, तैयब ताहिर, अब्दुल्ला शफीक और साइम, इनको भी मैं इस लिस्ट में देखना चाहता हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हैं, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग मुझे था कि कोई ना एक प्लेयर साइम या वो हारिस वो इस लिस्ट में होंगे, लेकिन अभी आपने दिखाई तो इस लिस्ट में मुझे वो नज़र नहीं आए। तो ये ज़रूर है कि इसमें साथ आपकी कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉप 5 में ज़रूर होना चाहिए टू मेक मोर इम्पैक्ट, कि जब आपने इंटरनेशनल में जाओ तो आपके पीछे लंबी लंबी इनिंग्स होती हैं, 1-2 इनिंग्स ठीक है, अच्छा है आपके लिए, लेकिन आप पाकिस्तान जब आप इंटरनेशनल खेलने जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट एटमॉस्फेयर और प्रेशर डिफरेंट होता होगा, तो आपको ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंसेस बैक होनी चाहिए कि आपको ये रिजवान और बाबर को भी आपको टफ टाइम देना चाहिए। तो मैं उन 5 प्लेयर्स को भी मैं देखना चाहूँगा कि वो इस एंड ऑफ द टूर्नामेंट किसी ना किसी तरह आए। बिल्कुल इरम, योर टॉप बैटर, टॉप 5 बताना चाहें, टॉप 3 बताना चाहें। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था जब हमारी पहली डिस्कशन हुई थी टॉप 5 बैटर्स पे, तो तब बाबर आजम जो थे वो नहीं थे इस लिस्ट में, तो मैंने आपको कहा था मैं उनको इसमें ज़रूर देखना चाहती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि बाबर आजम जो है कहने की देर थी। देखें जो जो कुछ कहा है मैंने वो हो गया है। क्या बात है, जितवा दें, किसको जितवा रही हैं? मुझे ना, मैं सही बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे कल लाहौर के लिए थोड़ा सा डर है। ओहो हो, चलें कल कोई बात नहीं, एक और बारी और अच्छा जाएगी, बट यस मूव फॉरवर्ड। खैर ये कि मैं एक ये बात करना चाहूंगी कि जिस तरह अभी ये टॉप 5 बैटर्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमें एक दूसरे एंड पे देखना चाहिए कि विनिंग कंट्रीब्यूशन कितना है। अब अगर हम आजम खान इस लिस्ट में नहीं देख रहे, लेकिन अगर आप देखें दूसरे एंड पे उसने अपनी टीम्स को जितवाया, उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने में उसका रोल बहुत ज्यादा है। साइम अयूब की जिस तरह बैटिंग है, ठीक है वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप उसका देखें विनिंग, उसने अपनी टीम के लिए कितना उसने कंट्रीब्यूट किया, तो ये भी एक चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ है कि ये भी वजह हो सकती है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, जिस तरह तैयब ताहिर हैं, तो वो नंबर ऑफ मैचेस आ जाते हैं। अब बाबर आजम, रिजवान, ये सारे मैचेस खेले हैं, लेकिन जो बाकी जो प्लेयर्स हैं जिनका नाम नहीं है, वो उनको उस तरह से इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि किसी नेक्स्ट सीजन में ये लोग भी जो है हमें टॉप 5 में जो है देखने को जरूर मिलेंगे। बाकी ये जो लिस्ट है इसमें एक मैं नाम जरूर मिस कर रही हूँ,
वो मुझे पोलार्ड था कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो पोलार्ड था मुझे उसका था कि वो भी इस लिस्ट में जरूर होगा, जिस तरह वो मास्टर ब्लास्टर इनिंग खेलते हैं तो वो थोड़ा सा कह लें इस सीजन में नहीं चल सके। मुझे लगता है पोलार्ड हैज डन दैट बीन देयर, बहुत बहुत इतनी सारी लीग्स खेल ली उन्होंने दुनिया में काफी फिलर वाला रोल, बट लाला इससे ये जो इरम ने बात की इससे एक डिबेट जरूर ओपन होती है कि अ प्लेयर विद मोस्ट कंसिस्टेंसी या प्लेयर दैट हैज एन इम्पैक्ट जो जितवा रहा है अपनी टीम को, कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, हमें इमाद दिख रहे हैं, इमाद ने कंसिस्टेंटली जो है वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया, बट आज कराची किंग्स कहाँ है वो हमें पता है, चाहे किसी और की वजह से या और नहीं खेला कोई, बट इम्पैक्ट प्लेयर एक टीम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या एक कंसिस्टेंट प्लेयर? देखिए दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। मेरे ख्याल में जो बैट्समैनों की बात हो रही थी लिस्ट की, सबने कवर कर लिया, अपने अपने ओपिनियन सबने दिए हैं। मुझे अगर इस PSL में कोई एक बैट्समैन नजर आ, अगर एक की बात करूं सिर्फ, और एक बच्चे का जो फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है, और सिर्फ T20 में नहीं इवन के वनडे में भी मैं उसको कंसिडर करूं, वो सैम अयूब है। ठीक है ना, वो बच्चा मुझे नजर आया है कि वो हर तरीके से एक बहुत टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर नजर आया है। और एक दूसरी और चीज, क्योंकि आप इस PSL की परफॉर्मेंसेस की वजह से आपने बहुत सारे प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, मेरे ख्याल में एक प्लेयर और जिसका मैं नाम लेना चाहिए, अगर परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही आपने टीम सेलेक्ट की है, तो मेरे ख्याल में अगर आप इतने सारे सीनियर्स को रेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो है वो अब्बास का चांस भी बनता था। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, आप नसीम शाह को रेस्ट दे सकते थे, नो डाउट नसीम शाह मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और उसने बड़ा इम्प्रूव किया है, और उसको अपनी बॉलिंग का पहले से बहुत ज्यादा पता चला है, तो यहाँ पे आप इतना लंबा सीजन PSL आप उसको भी रेस्ट दे देते, आप अब्बास को चांस दे देना चाहिए था। एक दो और प्लेयर जैसे मैंने उसामा का कहा था कि नवाज को रिजर्व में रख के उसामा को भी टीम के अंदर होना चाहिए था। राइट, एब्सोल्युटली। इंजी भाई मैं आप पे अगर आता हूँ, आपने तो बहुत ही करीब से, जाहिर है आप तो डग आउट का पार्ट है पेशावर जालमी के, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन से बैट्समैन थे ये टॉप के, तो आपने देखे ये जो है, लेकिन उसके अलावा भी बियॉन्ड दिस लिस्ट कौन से ऐसे बैट्समैन थे जिनकी बैटिंग आपने सही मानों में वाकई वहाँ मैदान में बैठ के भी या टीवी पे जो देखा वो बहुत इंजॉय किया आपने? नहीं, मैंने जिसकी बैटिंग को सही मायने में एंजॉय किया था तो लिस्ट में भी है, वो है इमाद वसीम। right. अच्छा, जिस नंबर पे इमाद वसीम ने बैटिंग की है ना, यूजली आप जितने भी PSL देख लें कि इस तरह की फॉर्म किसी भी प्लेयर की इस नंबर पे इस तरह नहीं खेल सकता वो। वो अपनी सुप्रीम फॉर्म में था। अगर आप जहां सारों को और देना, ये उसके पास उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी कि जी अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो पाकिस्तान में वापसी कम बैक कर सके। सही, जी आपको जिस तरह किंग किया है इस नंबर पे, आप इतने सारे आजम का कर रहे हैं, आजम बहुत अच्छा खेल रहा है लेकिन इतनी परफॉर्मेंस उसकी भी नहीं है जितनी इमाद वसीम की है। ठीक है ना, तो ये आजम को भी खेलना चाहिए क्योंकि वो तो खैर प्रॉपर बैट्समैन है, वो डिफरेंट उसकी वो है, लेकिन इमाद वसीम को यहाँ आपको ना चांस देना चाहिए और ये बड़ा जबरदस्त चीज है। अच्छा, दूसरी एक चीज ये कहूंगा कि ये तो सारी चीजें हैं, हमारे ये जितने भी प्लेयर हैं, जितने ये सारे यंगस्टर्स हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, सारों को मौका मिला बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक चीज बात करूंगा, जिस तरह ये अब्दुल्ला शफीक है कि ये इमाम ने बड़ी अच्छी बात की है, उसने जिस तरह की हिटें खेली है ना, उसको देख के ना मुझे भी बाहर से मजा आया कि जी अब्दुल्ला शफीक जिस तरह खेल रहा था, जो उसकी सेंस थी, क्योंकि वो लंबी क्रिकेट खेलते हैं ना तो जाहिर बात है उसकी बैटिंग सेंस डिफरेंट है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज कहूंगा कि आपने मौका दिया है प्लेयर्स को, यंग को बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारी एकेडमी में ना, हम यहाँ से जो हमारे 7-8 बैटिंग में यंगस्टर्स है, 7-8 बॉलिंग में जो यंगस्टर्स है, इनको बुला के ना हम इनके साथ काम करें, इनको इनको इस तरह ना छोड़ें कि जी सिर्फ है ना एक सीरीज में मौका दे दिया। मैं जिस टाइम सिलेक्शन में खुद था, मैं कोशिश करता था कि जी हमें जिस टाइम भी टाइम मिले ना तो हम अपने यंगस्टर्स को बुला के ना एकेडमी में जो हमारे कोचेज हैं वो उनके साथ काम करें। तो यहाँ ये बड़ा जरूरी चीज है कि हमारे प्लेयर्स जिस तरह आज T20 की ना शॉट्स खेली जा रही है ना, जिस तरह हम दूसरे फॉरेन प्लेयर्स आके खेलते हैं, हम इनके साथ हमारे कोचेज इस तरह का काम करें ताकि ये हमारे जो उनसे बैट्समैन है ना, ये डे बाई डे इम्प्रूव करें। सारे बहुत टैलेंटेड हैं, जिनका नाम आया है और कुछ मिस भी हो गए हैं, ये सब बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्लेयर्स का असल पता चलता है ना, हम आपको देखते हैं कि जी स्कोर कार्ड से आइडिया लगाते हैं, इसको स्कोर करते हैं, वो भी एक बताता है, लेकिन जो एक बात होती है कि जी आप मौके पे किस तरह का खेल रहे हैं, आप मौके पे ओवर किस तरह का कर रहे हैं। बास बॉलर है ना, शुरू के ओवर बड़े अच्छे करते हैं,
लास्ट में जिस टाइम प्रेशर पड़ते हैं ना तो उनका उनके पता चलता है कि जी थोड़ा कि जी इसमें किस चीज की कमी है। तो ये सारे लोग है ना प्रेशर्स में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये सारे अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन इनको मेरे ख्याल में कि जी हमें अपने ये सारे यंगस्टर्स है ना, जो ये पांच नाम है, ये तो बहुत बड़े नाम है कि जी बाबर है, रिजवान है, ये सारे ये तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये जो दूसरे हमारे लोग है ना, इनके साथ है ना हमें अपने कोचेस के साथ है ना काम करना चाहिए पूरा साल, हमें इनको नजर में रखना चाहिए, बॉलर्स को भी, और जिस तरह ये शाहिद ने नाम लिया अब्बास का, अब्बास को, ये इस तरह के जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग कर रहे, तो सारों को हमें नजर में रखना चाहिए। बिल्कुल, अब एक्चुअली जॉब शुरू होती है, जो जिसका नाम अभी तक पिछले मैनेजमेंट के अंदर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो गया था, उसका नाम वापस बदल गया है, एनसीए हो गया, नेशनल क्रिकेट एकेडमी वापस उसका नाम, कल जब ये मीटिंग हुई चेयरमैन की तो उस वक्त मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहलाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है, पता नहीं शायद एनएचपीसी नहीं कहलाएगा, वो एनसीए ही कहलाएगा। बट मिसबाह जहां लाला ने बात, जी जी जी, बात ये है कि हम बस किन्हीं चक्रों में रहते हैं, नाम बदल दो, नाम बदल जी, नाम वो रख दो, नाम भाई काम बदलो, एग्जैक्टली बदलो, वेरी गुड। ये एकेडमी है, एकेडमी है या हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो इंजी भाई ने बात की है वो इम्पोर्टेंट है। yes. मैं भी कितना अर्सा रहा हूँ, 2 साल कोच रहा हूँ या हेड कोच, तो मेरी उसमें कोशिश होती थी कि वो जो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट विंग भी बनाया है जिसमें सैकी भाई एज अ कोच है, वो इसीलिए था कि जितने परफॉर्मर्स बीच में पीछे आते थे या टेस्ट में या डिफरेंट फॉर्मेट्स में लड़के, कोशिश होती थी कि वो वहाँ पे रहें, जिसको जरूरत है 15 से 20 लड़के वो डेवलपमेंट के लिए वहां पे रहें, मैच भी खेलें, ट्रेनिंग भी करें। भाई आप नहीं काम करोगे नीचे, अब बंद पड़ी है ना वहां पे प्रैक्टिस होगी ना कुछ होगी, कोचेज एकेडमी के आपने डिफरेंट टीमों के साथ लगाए हुए हैं और वो हैं एकेडमी के कोच, तो मतलब ये जब तक हमारा असल जो हमने काम करना है प्रैक्टिकल वर्क जब तक नहीं होगा, दिखाने के लिए नाम बदल दे हमने ये कर दिया हमने वो, उससे कोई फायदा नहीं होना। बिल्कुल, मतलब हीरे मिल गए हैं, तराशने का काम तो अब जाहिर सी बात है हाई परफॉर्मेंस सेंटर करे, एकेडमी करे, मगर कोई तो ये काम करे। बट मिसबा जहां लाला ने बात की कि इस टीम में अब्बास को भी देखते हुए दिखना बहुत बात हो रही है कि अब्बास क्यों नहीं है, अब्बास तो इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और दूसरी तरफ बात हो रही है कि क्या मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह क्या अब्बास आफरीदी हो सकते थे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मिसबा से ये जवाब जरूर जाने। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुश आमदी, डिस्कशन हमारी हो रही है कौन टॉप 5 बैटर्स हैं और कौन हमारे एक्सपर्ट समझते हैं कि वो उनके टॉप 5 हैं। सो यस, उस हवाले से तो हमारी डिस्कशन हुई। साथ ही साथ ब्रेक पे जाने से पहले मैंने मिसबा से एक सवाल पूछा था कि क्यों टीम में जो टॉप PSL 8 के बॉलर हैं वो नहीं दिख रहे, मगर एक बॉलर दिख रहे हैं जो कि इस वक्त 18वें नंबर पे है PSL 8 में। सो हम पहले जरा टॉप 5 बॉलर्स देख लेते हैं और उसके बाद यही सवाल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे मिसबा से। सो हु आर द टॉप 5 बॉलर्स ऑफ PSL Season 8, ये आपके सामने स्क्रीन पर। जी ऑलराइट, वैसे नोबडी इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम वुड हैव थॉट कि जो टॉप 2 बॉलर्स नजर आ रहे हैं ये PSL के टॉप 2 बॉलर्स होंगे एट द एंड ऑफ मैच नंबर 30th, बिकॉज अब्बास आफरीदी आई वोंट से रिलेटिवली अननोन, बट डेफिनेटली कंपेयर टू राशिद खान, शाहीन शाह, आफरीदी, हारिस रऊफ तो अननोन ही है। 9 मैचेस में 22 विकेटें हासिल की हैं, 14.95 की एवरेज है, एन इकॉनमी ऑफ 10.02, एक दफ़ा 5-4 भी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जादू नहीं चला सके जो हमने इनका कराची, मुल्तान और लाहौर में देखा था, बट बिवेयर, बी वेरी केयरफुल अबाउट हिम, मैदान बदल गया है, कंडीशन बदल गया। राशिद खान नॉट सो सरप्राइज टू सी हियर, 15 विकेट्स आफ्टर 8 गेम्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.29। शाहीन शाह आफरीदी 9 मैचेस के बाद 14 विकेट उन्होंने हासिल की हैं, ही गॉट अ 5-4 एज वेल, 8.21 शाहीन की इकोनॉमी है। हारिस रऊफ की बात करें, 10 मैचेस के बाद 14 विकेटें एट एन इकोनॉमी ऑफ 9.18, एंड वी नो दैट हारिस इज जनरली ऑन द हायर साइड व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी। सो सवेरा, अब जो आपने बात बोली थी, अब्बास आफरीदी इज देयर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट राइट नाउ, और मैं बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, के किसी भी PSL में जो सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है वो 25 का है,
और अब्बास उससे सिर्फ 3 विकेट पीछे रह गए हैं। मुल्तान सुल्तान के लिए वो खेल रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनको 2 मैचेस में बुरे से बुरा भी अगर हम बात करें उनको 2 चांसेस अभी और मिलने वाले हैं। सो या वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन। वसीम जूनियर 7 विकेटें ली हैं 5 मैचेस के बाद, पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। अब्बास आफरीदी कुड नॉट मेक द कट। बिल्कुल मिसबा, आपके ऊपर मैं ये सवाल थ्रो करती हूँ कि क्या मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह अब्बास आफरीदी फिट हो सकते थे? देखिए किसकी जगह हो सकते थे या नहीं वो तो अलग अलग बात है, बट जब आपने सारे परफॉर्मर्स को मौका दिया है तो मेरे ख्याल में सब बैट्समैनों के बाद बॉलर्स में अगर किसी का हक बनता था तो वो एहसानुल्लाह और अब्बास आफरीदी का बनता है, क्योंकि वो करंटली इतनी मुश्किल कंडीशंस में जो भी है वो आउट भी कर रहा है और वो ऑलमोस्ट इम्पैक्ट डाल रहा है मैच पे। मुल्तान सुल्तान के लिए जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, हमें इकोनॉमी साइड लग रही है बहुत हाई, पर जिन जिन पिचेस पे खेला है आप देखें 260-240 वो चेज हो रहे हैं वहां पे भी, वो अगर 40 रन या 40 के राउंड भी दे के वो आउट कर रहा है 4 या 5 आउट कर रहा है तो वो इम्पैक्ट डाल रहा है बेसिकली, तो उसको मिस आउट करना ये मेरी समझ, ये आप देखें ना इसमें कितनी बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट होती है ऐसे प्लेयर की। यार सबको आपने रख लिया, आपने जिन्होंने थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस की है तैयब ताहिर एज ए बैट्समैन उसको आपने रखा है, फिर वसीम जूनियर की आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरीके से नहीं आ रही है, एज अ वेरी गुड किड और अच्छा एटीट्यूड है उसका, मेहनती है, ही गॉट पेस और डेवलप हो सकता है बहुत, बट उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई और उसकी वजह भी यही है कि अभी वो स्टॉक जो डिलीवरी है उसकी वो नहीं वो कर पा रहा है, वो अर्ली ऑन ही फुल चला जाता है, वो लेंथ जो एक होती है किसी भी बॉलर की जो कि नॉर्मली आप जिससे स्टार्ट करते हैं जो आप कहते हैं कि ये स्टॉक बॉल है इसकी, वो अभी वो डिवेलप नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आप देखेंगे वो 10 एंड ओवर ऑलमोस्ट उसकी इकोनॉमी होती है, तो अभी उसको आप थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और बड़ा अच्छा एक एसेट बन सकता है आगे जाके, और उसकी उसको अगर आप देखें अब्बास को उसकी परफॉर्मेंस है उसको तो आपने कंसिडर, अगर वसीम को ले जाना ही था तो फिर एक बैट्समैन या कोई और काम करके उसको ले जाते, बट अब्बास शुड हैव बीन डेफिनेटली देयर। राइट, ठीक है पॉइंट। So, ये जो एक स्कॉट के हिसाब से इंजी भाई से भी अगर हम यही सवाल पूछें उसके बाद फिर हमने लॉर्ड स्टूडियोज भी जाते हैं। इंजी भाई जारे अब्बास वाला तो आई थिंक मिसबा ने बड़ा आई थिंक इसको क्लियर किया इस पूरे मैटर को एंड आई थिंक ही स्पॉट ऑन देयर, लेकिन उसके अलावा भी इंजी भाई किसी ऐसी बॉलर जो कि टॉप 5 में आपको नजर ना आ रहा हो जिसको वाकई देख के आपको उसको मजा आया हो, या कोई ऐसा बॉलर भी जो आप ये समझते हैं कि उसकी फ्रेंचाइज ने उसको अंडर यूटिलाइज किया है? शमसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो खिला सकता था और कराची के लिए कम खिलाया गया उसको, इंजी भाई क्या कहेंगे इन 2-3 इश्यूज के हवाले से? एक तो अब्बास की अगर बात की जाए ना इस पूरे पीएसएल में ना ये हाई स्कोरिंग पीएसएल हो रहा है, क्योंकि जी जरा ना इकोनॉमी को जरा आपको नजरअंदाज, क्योंकि अगर मुल्तान है ना 262 भी करती है तो पीछे से सेफ नहीं लग रही होती, क्योंकि जी लग रहा है क्योंकि जी अगर पार्टनरशिप को इटा के खिलाफ जो मैच था अगर वहाँ अगर उमर अकमल भी वहाँ आउट ना होता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 262 एक ओवर पहले खत्म होगा। तो इस पूरे पीएसएल में ना जो हम भी अपनी प्लानिंग टीम की बैठ के करते हैं क्योंकि जी ऐसे बॉलर्स खिलाएं क्योंकि जो बीच में विकेटें ले सकते हो, अगर आप विकेटें लेते हैं तो आप बच सकते हैं, विकेटें लेने के अलावा आप नहीं बच सकते जी, तो वरना आपको 15 रन की भी एवरेज होगी ना तो आप है ना वहीं पहुंच आपकी पार्टनरशिप लगेगी। तो अब्बास ने ये किया कि जी जो मुल्तान की जो सारों से ज्यादा कामयाबी है वो ये एहसानुल्लाह है, ये अब्बास है और ये अपना और उसामा मीर है, इन्होंने ना बीच में आके विकेटें लेके दिए जिससे ना मुल्तान को ना बूस्ट मिला। 200 रन करके यहाँ सेफ नहीं है क्योंकि जी कोई 200 रन अगर बॉलर्स बीच में से अगर विकेटें नहीं लेंगे तो आप कोई भी सेफ नहीं हो सकते, तो अब्बास है ना इस नजर से ना बेहतर था कि जी अगर उसको टॉप विकेट टेकर था, अगर आप सारे जूनियर्स को चांस दे रहे थे ये भी जूनियर था इसको भी चांस मिलता तो मिसबा वाली बात सही है, अदरवाइज है ना प्लेयर थोड़ा सा डिसाइड होता है कि जी मेरे साथ ये अलग क्यों, तो ये डिजर्व करता था। और कब सारे जो जिस तरह कराची ने शमसी को नहीं यूटिलाइज किया, मैं कह रहा हूँ कि इमरान ताहिर को नहीं यूटिलाइज किया, अगर आपके पास जिस तरह अगर 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं
तो आप उन दोनों के साथ भी जा सकते हैं। इमाद वसीम को आप है ना इस चीज में कंसीडर ना करें, वो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर का सारों से अच्छा बैट्समैन वो है जी। तो बहुत सारी टीमों ने ऐसा है क्योंकि जी आपको मुझे अब आइडिया हो रहा है क्योंकि मैं जरा पीएसएल के साथ देर से जुड़ा हूँ, ये मिसबा वगैरह तो पहले खेलते रहे हैं, आपको अपना कम्बिनेशन बनाने के लिए भी 3 से 4 मैच लग जाते हैं कि आप एक कम्बिनेशन से खेलते हैं, आपको मार पड़ती है, बैटिंग में कुछ खिलाते हैं, वो सेटल नहीं होता, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जिस टीम ने भी अगर अपने कम्बिनेशन को थोड़ा सा 4-5 मैचों के बाद भी सेटल नहीं किया तो उनको मुश्किल होती है। Right. तो मेरा ये ख्याल है कि जी सही है कि जहाँ इनकी बात कर रहे तो इन बॉलर्स को भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए था तो बेहतर होता। बिल्कुल, एक एक मुझे नहीं पता, मैं इमाम आपसे जरूर पूछूंगी, मगर एक प्लेयर जो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद ने अंडर यूटिलाइज किया, एक बॉलर, मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच मुबस्सिर खान, क्योंकि मैंने बड़ा उनका डोमेस्टिक की जो जर्नी है वो पूरी मैंने कवर भी की, मैंने उनको देखा भी खेलते हुए, एंड आई वॉज सो लुकिंग फॉरवर्ड मुबस्सिर की परफॉर्मेंसेज देखूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद ने उनको उस तरह कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं किया एज अ बैटर एंड बॉलर ऑल टुगेदर। बिल्कुल, आप देखें सवेरा, थोड़ा सा इधर ये हुआ है कि मुबस्सिर भी थोड़ा सा अनलकी रहा है कि जहाँ पे उसका खेलना मुझे लगता है कि ज़्यादा यूटिलाइज हो सकता था वो कराची लेग में था। Yes. क्योंकि उसका उधर वहाँ पे बॉल थोड़ा सा ग्रिप भी करता और उधर जो है बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए थे। Yes. तो वहाँ पे मुबस्सिर को बैटिंग का भी उसको एक टाइम मिल जाता क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आते के साथ ही आपको 150 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, वो इनिंग्स बिल्ड करता है थोड़ा। Yes. सा उधर उन्होंने शुरू में हसन नवाज़ खेला 3 से 4 मैचेस शुरू में, उसके बाद उन्होंने ज़िशान ज़मीन को खिलाया, ये शायद कराची में एक आधा मैच ही खेला है, और उसके बाद इनके बहुत ज़्यादा मैचेस पिंडी में आ गए, और पिंडी में आप देखें वो उनकी प्लेइंग 11 में तकरीबन हर मैच में होता था, लेकिन जो उस वक्त सूरत हाल चल रही थी बॉलर्स की तो वहाँ पे क्योंकि शहदाब की भी बॉलिंग वैसी इफेक्टिव नहीं आ रही थी सब, तो उस वक्त मुबस्सिर का जो था वो ऐसा लग रहा था कि एज अ फील्डर ही खेल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कैप्टन हो मुझे ऐसा लगता है कि मुबस्सिर को ओवर शायद ना कराता, सिर्फ जब लेफ्टी बैट्समैन आते थे तब ही शायद मुबस्सिर ओवर करता था, वो भी एक। तो ये आप जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा यूटिलाइज, मैं नहीं कहूंगा इस सेंस में कि उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स हमें ये भी देखना चाहिए कि कंडीशंस क्या ऑफर कर रही है टीम को, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशंस जो थी ना बिल्कुल मुबस्सिर के अगेंस्ट जा रही थी, जो 200-250 के विकेट्स होते हैं जहाँ पे स्पिनर का हमारे मेन स्पिनर जो है वो ऐसे पिट रहे थे कि जैसे मजाक की बात है, उसके बाद जितने उनकी जो बैटिंग पावर थी उसमें आप देखें फहीम भी था, शदाब खुद थे, आसिफ अली खुद थे, आज़म, उन सब के ऊपर आप मुबस्सिर को नहीं भेज सकते जहाँ पे ऑलरेडी 250 आप चेस कर रहे हैं, 200 चेस कर रहे हैं, तो मुबस्सिर फिर नीचे ही आते हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो लड़का अनलकी। और जहाँ तक आपने उसको कवरेज की बात की कि मैं उसको बहुत पर्सनली बहुत हाई रेट करता हूँ क्योंकि वो स्पिन डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने पिछले 2 साल से, अगर आई एम नॉट रॉन्ग वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है 2 साल से कायदे आज़म ट्रॉफी का, और उसने बैटिंग मैंने उसको देखी है करते हुए बड़ी अच्छी, ग्रीन विकेट्स पे उसने बड़े अच्छे कट और पुल शॉट मारता है और बड़ा हैंडी ऑफ स्पिनर है, तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा समटाइम्स प्लेयर अनलकी भी रह सकता है अपॉर्चुनिटी और कंडीशंस के हिसाब से। बट योर टॉप बॉलर, आप जल्दी से अगर अपना एक टॉप बॉलर भी बता दें तो जो इस लिस्ट में नहीं दिख रहा। मेरा तो सर देखो, मेरा सवेरा एहसानउल्लाह ने जिस तरह इस टूर्नामेंट में बॉलिंग किया दैट वाज मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था। Yes. आके 145-150 पे क्लिक करके, चाहे वो आप देखें उसने पिंडी में बिल्कुल विकेट्स नहीं लिए लेकिन उसकी इकॉनमी इतनी ऊपर नहीं गई, इकॉनमी उसकी 6-7 की ही रही, और उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है बाउंसेस के साथ, और पता लगता था कि उसको एक रोल दिया कि आपने विकेट्स लेनी है और अटैकिंग बॉलिंग करनी है, तो मेरे लिए तो इस टूर्नामेंट का जो था वो ये ज़रूर एहसानउल्लाह था। इरम, अगर यही सवाल हम आपको पास ऑन करें, आपके लिए टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर कौन रहा जिसको वाकई आपने सही मानों में इंजॉय किया हो देखना NPSL 8? यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जो टॉप 5 हैं, बिल्कुल इमाम की बात को सेकंड करूँगी कि जिस तरह एहसानउल्लाह की बॉलिंग देखी है, बिल्कुल मैंने उसको फर्स्ट टाइम ही देखा इस PSL 8 में, उसको फर्स्ट टाइम देखा और इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि टॉप 5 में अगर आप देखें तो 4 ही जो हैं वो फास्ट बॉलर्स हैं और एक जो स्पिनर है वो भी हैं तो लाहौर कलंदर के, लेकिन वो अफगानिस्तान के, तो मैं यहाँ पर एक हमारा कोई कह लें कि स्पिनर भी होना चाहिए था, लेकिन स्पिनर ना होने की एक ये भी वजह है कि बाउंड्रीज भी छोटी थी, तो स्पिनर्स उस तरह से जो है इस PSL में अपना कह लें रंग नहीं दिखा सके, लेकिन मुझे लगता है कि शादाब, इमाद और उसामा मीर ने जिस तरह की बॉलिंग की है उनको भी इस लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेस्ट बॉलर थे वो बाकी एहसानउल्लाह थे।
बिल्कुल। अच्छा अब जो है हम इस टॉपिक से आगे मूव ऑन करते हैं। दो टीम्स जो कि क्वालिफाई नहीं कर सकी आगे नॉकआउट स्टेजेस में, क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन कराची किंग्स। मिसबाह, क्योंकि आप इस्लामाबाद से एसोसिएटेड भी रहे, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब फ्रेंचाइज एक टीम बना रही होती है, जब आप ड्राफ्ट में बैठते हैं, तो क्या सामने प्लेइंग 11 रखते हैं कि जी ये हमारी 11 होनी चाहिए और उसके बाद पजल के पीसेस जोड़ते हैं, या जो आपको एक बारी में बेटर ऑप्शन मिल रहा होता है उस बारी में आप उसको चुन लेते हैं? क्या थॉट प्रोसेस होता है जब एक टीम बन रही होती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो 11 है वो आपने कैसे करा दी, कौन सा प्लेयर उसमें फिट इन होगा, एंड देन यू गो फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। एक 11 नहीं आपने बनानी, आपने 3 से 4 स्क्वाड बनाने हैं 11 के, ये मेरे कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होंगे, और फिर आपने ऑप्शंस लिखनी है उनके सामने, जिन प्लेयर्स को आपको होता है कि यार इंजरी हो सकती है, ये शायद अवेलेबल ना हो, फिर उनको आप उनके सामने आप रखते हैं उस जैसा प्लेयर। अगर उस जैसा प्लेयर ड्राफ्ट में नहीं मिल रहा तो देन वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से फिल इन करने की कोशिश करते हैं उसको, और वहां पे आप डिफरेंट प्लेयर डालते हैं जो आपको मिल रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बैटिंग में, आप जब भी देखते हैं, आप देखते हैं कि T20 क्रिकेट आजकल जिस तरीके से चल रही है, आपको top 3 बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए उसमें, उसके बाद आपको फिनिशर चाहिए नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में, कम से कम 5-6 पे को ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो जाके वो 170, 180 या 200 के स्ट्राइक से भी खेल सकें। एक आधा आप ऐसा प्लेयर जो कंसिस्टेंट हो 130 के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, एंकर का रोल जो है वो प्ले कर सके। और इसी तरह बॉलिंग में आप देखते हैं कि जी नया बॉल कौन करेगा हमारा अर्ली ऑन फर्स्ट 6 ओवर्स जीतने के लिए, विकेट्स इंपैक्ट कौन डालेगा, कौन वो बॉलर है जो स्विंग कर सकता है अर्ली ऑन, पेस से आउट कर सकता है, या ऐसा स्पिनर है जो सर्कल में बॉल करके हमें विकेट्स दे सकता है। फिर जैसे इंजी भाई ने भी बात की और सबने कि भाई मिडिल ओवर्स में भी आपने ऐसे बॉलर रखने हैं, स्पिनर्स या ऐसे बॉलर जो आपको वहां पे ब्रेक थ्रूज दें। यही एक तरीका रह गया अब इन बैटिंग पिचेस पे उस टोटल को काम करने के लिए। एंड देन इट कम्स टू डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको पक्के बॉलर चाहिए एटलीस्ट जो आखिरी 3 से 4 ओवर करें, जिनका एक रिप्यूट हो, एक्स फैक्टर हो, जिनका आपको पता हो गया यार वर्स्ट सिनेरियो में भी ये 10 ओवर जाएंगे और अच्छी बॉलिंग करेंगे तो उससे नीचे रहेंगे। तो वो जब तक आप, अब देखें बहुत सारी टीमें कहाँ स्ट्रगल किया उन्होंने, नए बॉल पे फंस गए या इवन नए बॉल पे भी काम चला लिया, मिडिल में भी चला लिया। कराची को देख लें, आखिरी 4 ओवर में फंस गए, मुल्तान आखिरी 4 ओवर में सारोला के अलावा फंस गए, सिर्फ लाहौर ऐसी टीम है जो के जिसके पास सारी बेसिस कवर है बॉलिंग में। इस्लामाबाद सेम, पेशावर जलमी सेम, वहाब एंड पे कुछ कहीं ना कहीं बेहतर बॉलिंग कर जाता है, लेकिन उसके अलावा दूसरी तरफ से वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स, उनके साथ कम्युनिकेशन, फिर डिफरेंट अगर आपने जब कम्बिनेशन बनाने हैं तो उसमें आपके पास इतने रिसोर्सेज हो डिफरेंट कि आप आराम से अगर एक तरफ से कहीं से लैग कर रहे हैं तो दूसरा उसकी जगह टीम में डाल के आप उसको बैलेंस कर सकें। ये सारी चीजें सीजन से पहले आपको करनी है। अगर आप जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे प्लेयर मिल रहा है पिक करते जा रहे हैं, एंड ऑफ द डे क्वेटा की तरफ आपने 5 टॉप क्लास ओपनर पिक कर लिए हैं, अब आपको मुसीबत पड़ी है कि उन ओपनर्स को किसी को 8 पे खिला रहे हैं, किसी को 4 पे खिला रहे हैं, किसी को 5 पे खिला रहे हैं। ऐसे नहीं होता, कोई भी प्लेयर दुनिया का टॉप क्लास प्लेयर भी हो ना, उसको लीग में T20 में आके आप पे में नंबर बदल दो तो वो नहीं उस तरीके से इंपैक्ट डाल सकेगा। मिसबाह, अगर यही कसौटी हम इस्तेमाल करते हैं जो आपने इस वक्त बात की है, सो इस पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैं कहूंगा कि जो नाकाम तरीन टीम बॉटम ऑफ द टेबल, अगर हम बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, सो वेयर डू यू थिंक दे गॉट इट रॉन्ग? हसारंगा का बार बार नाम आया जा रहा है जी, उसका आखिरी मौके पे NOC जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया श्रीलंकन क्रिकेट ने, बट डू यू रियली थिंक द प्रॉब्लम वॉज बिगर देन जस्ट वन प्लेयर नॉट अपियरिंग? कुछ और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है विद द फ्रेंचाइज?
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हसरंगा का रोल ठीक है मिडिल में आता बॉलिंग में, हसरंगा का रोल बैटिंग में नीचे आया। आप इसका मतलब एक ही प्लेयर पे बेस कर रहे थे? भाई आपने तो म्यूजिकल चेयर बनाया हुआ था अपनी बैटिंग ऑर्डर को। आप जिस बंदे ने आपको एक मैच जिताया 100 करके एक्स्ट्रा ऑर्डर ही एक परफॉर्मेंस के बाद उसको बिठा दिया। विल स्मिथ को एक मैच खिलाते हैं अगला बिठा देते हैं। हफीज 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, कभी 6ठे पे कर रहा है, कभी नंबर 3 पे कर रहा है। सरफराज खुद नंबर अपने बदल रहा है। इट मीन्स यू आर नॉट श्योर और यू आर नॉट पेशेंट इनफ के यार हम बैठे कि देखें कंसिस्टेंटली हमने 4-5 मैच तो खेलने। उमर अकमल को आपको नहीं पता था, पहले आपने ऊपर खिलाया फिर नीचे ले गया। मेरे हिसाब से वो हमेशा सक्सेसफुल रहा है नीचे मिडिल ऑर्डर में। तो वो आउट ऑफ पोजीशंस आप खिलाते रहे, क्लैरिटी नहीं थी आपको। आप एक बॉलर शॉट खेलते रहे, नवाज की फॉर्म विद द बॉल देखते हुए भी वहां से भी आपको प्रॉब्लम हुई। आप बैटिंग स्ट्रॉन्ग करते रहे, उधर आपको 200 हो रहा है, पूरे 5 बॉलर नहीं खिला रहे। तो बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, मैं अभी भी कहूंगा कि स्टिल उनके पास इतने रिसोर्सेज थे, अगर वो प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्वेटा की ये हालत होती। मुझे लगता है कि वो पिछले सीजन का भी एक प्रेशर था, बहुत जल्दी पैनिक कर गया, बहुत जल्दी चेंजेस। और आप जैसे एक स्टेप लेते हो और कहते हो ये गलत हो गया, तो अगला फिर आप दूसरी तरफ ले लेते हो। यानी वो डायरेक्शन का आपको पता ही नहीं ना, एक स्टेप आगे लेते हो, 2 इधर पीछे लेते हो, 2 साइड पे लेते हो। ये बड़ा जरूरी है कि पहले आप एज ए मैनेजमेंट जो टीम बना रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। True. कि ये हमारे बेस्ट 11 ये है। बिल्कुल, ये बेस्ट 11 ये है। अब हर मैच में 4 चेंजेस नहीं है, कोई कंडीशन के मुताबिक एक आधी चेंज है, कम से कम 4 मैच तो उस पर स्टिक करें। हर मैच में इसका मतलब आप खुद डिसीजन लेते हैं और आपको पता चलता है नहीं 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 ये ठीक नहीं है, अगले मैच में आप करते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा था मुझे लगता है क्वेटा। बिल्कुल बिल्कुल। इंजी भाई आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है बिकॉज ज़ाहिर है अब आज शायद आखिरी शो है जब हम इन 2 फ्रेंचाइज का जिक्र कर रहे होंगे, अभी हम कराची किंग्स पे भी आते हैं एंड में बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे भी जान सकूँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मिसबा ने काफ़ी तफसीली जवाब दिया इसमें, एक ये निकल नहीं पा रहे हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं ना विशेष सर्कल में एक आ गई है लगता है ये फ्रेंचाइज, और ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या चेंजेस आप रेकमेंड करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स में? अपने आप को इस वक्त जलमी का पार्ट ना समझे, पाकिस्तान के अजीम फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर समझ के आप बताइए। नहीं, एक तो जो मिसबा ने सारी बातें की है वो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। सही। और अगर क्वेटा के आखिरी 2-3 मैचेस देख लिए जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी उनकी टीम में किसी चीज की कमी नहीं थी, पोटेंशियल था जिस तरह उन्होंने खेला है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आके क्रिकेट खेली है, जिस तरह उन्होंने अटैक किया है। अब बात ये बिल्कुल सही है कि जिस टाइम मैं सिलेक्शन में था ना, तो अगर हम जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर रहे होते ना कि एक लड़के को चांस दिया और फिर अगले दिन कुछ और दिया, तो आप ये समझ जाएंगे कि जी लड़का गलत नहीं है सिलेक्शन कि जितनी जल्दी आप चेंज कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि जी आपकी सिलेक्शन गलत है। और देखें कोई भी प्लेयर हो वो 1-2 परफॉर्मेंस है ना इसमें बुरी हो जाती है। T20 में कोई बड़ी बात नहीं है 1-2 परफॉर्मेंस बुरी हो जाना, क्योंकि सारे टाइम हम ऑन द टोज होते हैं कि जी आपने बॉलिंग करनी है तो बैट्समैन पूरा अटैक कर रहा है, बैटिंग करनी है तो आपने एक एवरेज मेंटेन करनी है। तो इसमें कॉन्फिडेंस होना ना बहुत जरूरी है प्लेयर्स को। और जिस टाइम आप रेगुलर तौर पर नंबर चेंज कर रहे हो या चेंजिंग कर रहे हो टीम में, तो प्लेयर्स का होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप ये देख लें, किसी भी आप प्लेयर से, इनके फ्रेंचाइज के प्लेयर से पूछ लेंगे कि जी आपका कौन सा नंबर है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं बता सकेगा। और को आखिर में मेरे ख्याल में रियलाइज भी हुआ है, मेरे ख्याल में तो मोइन क्रिकेट को समझता भी है, समझदार भी है बड़ा, तो उसने फिर ये आखिरी अपने ना मैचेस में किया, क्योंकि जो उसने खिलाया, जिस तरह उमर अकमल है अगर आपकी टीम में है, सारों को पता है क्योंकि जी वो जिस टाइम खेलता है तो वो बिल्कुल आउट क्लास खेलता है, जिस तरह की वो हिटिंग करता है, जो मारता है हिटें, या दूसरे भी प्लेयर हैं, इफ्तिखार भी है, दूसरे भी हैं, प्लेयर्स की कमी नहीं थी। मेरे ख्याल में ये इतना अच्छा प्लान नहीं कर सके, या ये मेंटली मेरा मतलब है इस चीज को नहीं कर सके। हसरंगा एक ठीक है मिसबा ने जिस तरह का एक प्लेयर था, अब आता तो जरूर फर्क पड़ता, जिस तरह राशिद खान के आने से लाहौर कलंदर की बॉलिंग को एकदम बूस्ट जरूर मिला है फास्ट बॉलिंग में, इनको भी जरूर मिलता, फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन आप सिर्फ एक प्लेयर पे नहीं खेलती, ये टीम गेम है। और मेरा ये ख्याल है कि जी अनफॉर्चुनेट है कि जी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके,
मेरा नहीं ख्याल कि ऑन पेपर कलंदर ये अपनी क्वेटा की टीम बुरी थी, अच्छी टीम थी लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकी। बिल्कुल टीम बहुत अच्छी थी, ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, मगर वही परफॉर्मेंसेज नहीं आई। एक मेजर रीजन और, जब भी आप क्वेटा ग्लैडिएटर के कैंप से पूछते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, तो उनकी एक और मेजर रीजन ये आती है कि जो उनके मेन खिलाड़ी थे उनकी तरफ से वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेज उस तरीके की नहीं आई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर हम कुछ खिलाड़ियों की बात करें और उनकी परफॉर्मेंसेज पे नज़र डालें, तो सबसे पहले अगर हम सरफराज की बात करते हैं तो सरफराज ने 8 मैचेस में 162 रन्स किए, पर उनका बेस्ट था विद एन एवरेज ऑफ 27 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 104। मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग फर्दर मोर फ्रॉम सरफराज। या एब्सोल्युटली, आई थिंक सरफराज का एक सर्टेन रोल रहा है एंड वी नो दैट सरफराज इज अ बेटर प्लेयर देन दिस। वो इनसे बेहतर कारकर्दगी दिखाते रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमारे जो एक्सपर्ट पैनल्स है उनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये अब सवाल बनता है कि अब क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आई मीन तवातुर के साथ लगातार नाकाम सीजन्स के बाद सरफराज की कप्तानी के अंडर सरफराज की कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैट भी नहीं आ रही है, क्या अगर इतना ही सरफराज से उनको इतना लगाव है, मोहब्बत है फ्रेंचाइज को कि दे डोंट वांट टू रिलीज हिम, क्या उन्हें एटलीस्ट कप्तानी से रिलीज कर देना चाहिए? अगर मैं ये सवाल हमारे लाहौर के स्टूडियो में ये पूछ सकूँ, इमाम आई नो आपके कंटेम्पररी हैं, दिस वुड बी अ टफ क्वेश्चन फॉर यू, लेकिन डू यू रियली थिंक इट्स बेटर? मुझे लगता है इमाम से नहीं पूछना चाहिए ये सवाल। मैं थोड़ा हम आपकी तरफ आते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये मिस्बा बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमसे पूछ लीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप इमाम से नहीं पूछना चाहिए सवाल। मिस्बा, आपसे स्टार्ट करते हैं। मिस्बा, डू यू थिंक सरफराज इट्स टाइम टू रिलीव हिम फ्रॉम द कैप्टनसी एटलीस्ट? देखिए, बात ये है कि सरफराज की कप्तानी पे इतना इशू नहीं है। आपने सबसे पहले देखना है कि वो, आप अगर सरफराज आपकी टीम में है तो उनका रोल क्या है, और एज अ बैट्समैन जो उनका रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब मैं जैसे पहले बात कर रहा था ना कि हर टीम में डिफाइंड रोल्स होते हैं कि वो रोल जो वो कर सकता है बंदा, अब वो खुद ही कंफ्यूज रहे हैं क्वेटा वाले थ्रू आउट दिस कि यार कभी वो आप 3 पे आ रहे हैं 4 पे आ रहे हैं 5 पे आ रहे हैं। देखें, बेसिकली एक एंकर आपको चाहिए होता है ऐसा कि जो 130 के स्ट्राइक रेट के आसपास खेले, थोड़ा सा लंबा खेले, और दूसरी तरफ से आपकी टीम वो जो है ना वो हल्ला बोल दे और वो अपने हिसाब से उस तरीके से आपने टीम बना ली है, तो वो चीज़ नहीं हुई। ए बेटर जज आई थिंक होता है वो प्लेयर खुद। सरफराज बेहतर देख सकता है कि भाई मैं अब मेरी कंट्रीब्यूशन में कैसे कर सकता हूँ इस टीम के लिए। तो आई थिंक कि ऑब्वियसली क्वेटा विल बी थिंकिंग अबाउट दैट कि भाई मिसप्लेट हमारा जो सारा हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अगर तो उस रोल में सरफराज खेलता है और वो अपनी परफॉर्मेंस देता है, कप्तानी का इतना इशू नहीं है। कप्तानी तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में उसके साथ जो टीम की जो कम्बिनेशंस का सारा है उसमें तो पूरी कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। अगर आप इतनी चेंजेस कर रहे हैं तो वो इसका मतलब है सारे आप कंफ्यूज हैं। बट ओवरऑल ऑब्वियसली एज अ बैट्समैन जो मैं समझता हूँ वो ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई वो जो रोल उसको प्ले करना चाहिए था और जिस किस्म की वो फॉर्म में था वो सरप्राइज नहीं कर सका, और उसके बारे में आई थिंक सरफराज को भी देखना है और क्वेटा को भी देखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी क्वेटा को। बिल्कुल इंजी भाई, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुइन भाई ने की उसमें बड़ा बहुत आउटलाउड उन्होंने इस बारे में एक्सप्रेस भी किया कि मे बी शायद सरफराज को कुछ इंचेस या कुछ माइल्स और ज्यादा शायद मेहनत और करनी चाहिए थी जो शायद वो पुट इन नहीं कर सके। मतलब बिटवीन द लाइंस बहुत सारी बातें मुइन भाई कह भी गए और ना भी नहीं भी कहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? हम भी इसी तरह की बात करेंगे, कुछ कहें और कुछ ना कहें या बिल्कुल साफ सी करें। साफ सी करें, बिल्कुल साफ करें, बिल्कुल साफ करें। नहीं, असल में ना ये मिस्बा ने जिस तरह एक्सप्लेन किया है ना कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना सिर्फ कप्तान की सारी मर्जी नहीं होती, क्योंकि जी कोच भी होता है, क्रिकेट डायरेक्टर भी होता है, ये सारे बैठ के ना टीम बनाते हैं। तो कप्तान की जिस तरह दूसरी जगहों पे कप्तान ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में इतना ज्यादा उसको वो नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होती उसको, सारे मशरे से ये करते हैं, एक जाली चीज है। और दूसरी चीज ये देखने वाली होती है कि सरफराज की कप्तानी, मैं कहूँगा कि जी वो अच्छी नहीं कर रहा,
तो ये वाली बात कोई कहना मुनासिब नहीं होगा कि वो पाकिस्तान से बड़े अरसे कप्तानी करता रहा और अच्छी करता रहा और बड़ी फतवात है उसकी कैप्टनसी में। लेकिन बास टाइम है ना, आप है ना प्रेशर में आ जाते हैं, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होते, ठीक है जी, आप है ना अपनी परफॉर्मेंस की वजह से प्रेशर आ जाते हैं, फिर कैप्टनसी का जो मर्जी कह लें एक प्रेशर आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो आप है ना बास टाइम है ना दोनों के साथ है ना वो इंसाफ नहीं कर रहे होते, क्योंकि जी आप फंस जाते हैं बास टाइम। तो ये उस टाइम है ना बैठ के डिसीजन लेने वाला है, और ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर वो नदीम भाई का जिक्र किया जाए या मुइन का जिक्र किया जाए, क्योंकि जी ये शुरू से लेके चले हैं, क्योंकि जी क्लब क्रिकेट से वहां लेके आ रहे हैं, तो बास टाइम ऐसा होता है कि आप कप्तान ये नहीं होता कि जी आप हटा देते हैं या कुछ कर देते हैं, आप ना एक सीजन के लिए ना आप कोई दूसरा कप्तान बना देते हैं कि ताकि ये इस पीरियड से निकल आए अपने। तो सरफराज की देखो कैप्टनसी पे किसी ने बात नहीं की क्योंकि जी सरफराज की कैप्टनसी खराब है, क्योंकि जी वो चेंज नहीं सही तरह कर रहा। बैटिंग पे बात आ रही है क्योंकि जी उसने 160 रन किए हैं 8 से 10 मैचों में, और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर मेरे ख्याल में अगर उसका स्कोर भी ज्यादा होता और स्ट्राइक रेट भी बेहतर होता तो किसी ने भी ऐसी बात नहीं करनी थी। मेरे ख्याल में कैप्टनसी से ज्यादा उसके ऊपर एक बैटिंग का प्रेशर था, अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर था, फिर दूसरा टीम नहीं जीत रही थी, ये भी कप्तान पे ना कि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, क्योंकि जी एक आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे और एक टीम नहीं जीत रही। जिस तरह इमाद वसीम है उसके ऊपर ये वाला प्रेशर नहीं था, वो टीम के लिए उसकी अपनी परफॉर्मेंस हो रही थी ना, किसी ने उसकी कैप्टनसी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो भी उसी तरह हार रहे थे। उनके भी 6 पॉइंट ही हैं, जिस तरह इनके है ना उनके भी 6 पॉइंट है, लेकिन क्योंकि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस हो रही थी कोई उस पर वाला सवाल नहीं उठा रहा। इमाद वसीम को भी कैप्टनसी देखे जाए, क्योंकि सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी इसलिए ये वाला सवाल उठ रहा है, इसको कैप्टनसी से देख लें। हाँ, और ये वाली बात इसलिए सही है कि बास टाइम आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, बर्डन होता है, उसको एक आप रिलीज करें, आपकी बैटिंग से आप स्कोर करें, तो फिर मेरा मतलब है कि उसकी कैप्टनसी पे तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई ऐसी, मैं कहूंगा कि जी आप उसको कैप्टनसी नहीं आती, कप्तानी तो वो आप है ना, मेरे ख्याल में उसको एक्सपीरियंस कप्तान है, 7-8 साल हो गए उसको कैप्टनसी, 8 साल से तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान अंडर 19 से, तो वो आप उसके ऊपर इस चीज का ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसको अगर ना ये अगर मिल बैठ के अगर उसको रिलीज कर दे और उसके बैट से स्कोर बनना शुरू हो जाए, उसकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये वाला प्रेशर खत्म हो जाएगा उसके ऊपर से। बिल्कुल ओके मेरे ख्याल से आई थिंक एक और अब कंटेम्पररी के, क्योंकि हम सवाल पूछने की बात कर रहे हैं तो मैं अपने दोनों सीनियर्स पे, जाहिर है हम लोग आज जरा उन पे बिकॉज ये थोड़ा सा आई थिंक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। मिसबा मोहम्मद हफीज, जाहिर है हमें ये पता है कि इनिशियल ड्राफ्ट का वो हिस्सा नहीं, उनको नहीं किसी टीम ने पिक किया था, रिप्लेसमेंट के तौर से उनको लाया गया, प्लस फिर हमने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी देखा क्वेटा ग्लैडिएटर को समझ में नहीं आ रहा था कि हफीज को फिट कहाँ करना है, कहाँ बॉलिंग करानी है, कहाँ बैटिंग करानी है। What would you advise? माशाल्लाह हफीज कुछ समझदार आदमी है, लेकिन आप क्या एडवाइस देंगे या आप किस तरह देख रहे हैं हफीज के अब आने वाले दिनों में करियर के हवाले से? Should he move into the coaching side of things? He has got a very thinking brain. इतने बड़े प्लेयर को जब इस तरह ट्रीट किया जाता है तो आपको भी नहीं लगता कि वो उसकी अपनी मैं कहूँगा कि उसकी शान के खिलाफ ये चीज़ें होती हैं? क्या क्या कहेंगे मिसबाब इस हवाले से? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी ईगो हर्ट होती है, और मैंने तो जिंदगी में इसीलिए हमेशा यही देखा है कि द बेस्ट टाइम इज व्हेन यू आर एट अ हाई, क्योंकि आपने वो जो जिंदगी में जितनी भी इज्जत कमाई होती है वो किसी भी टाइम उस स्टेज पे आके स्टेक पे होती है। आपको कुछ अचीव करने से ज्यादा कुछ जाने का ज्यादा मतलब लूज करने का ज्यादा होता है खतरा उस टाइम पे, तो वो उस पे बड़ा आपको खुद सोचना चाहिए कि मैंने अब कैसे उसको आगे चलना है। बट ऑब्वियसली ये डिसीजन बेस्ट जज वो खुद होता है इंसान के। हाँ जी, मुझे लगता है कि हफीज अच्छी क्रिकेट खेल शुरू में थोड़ा सा था उसको, बट आफ्टर कपल ऑफ इनिंग्स बहुत अच्छा स्मूथ खेल रहा था। मुझे लगता है अंडर यूटिलाइज किया क्वेटा ने, क्वेटा वॉज इन डाउट, आधा डाउट में थे खिलाएं ना खिलाएं, कर पाएंगे ना कर पाएंगे, ये सिचुएशन कभी भी हेल्प नहीं करती ना उस प्लेयर को और ना आपकी टीम को। अगर आपने लिया था कंसिस्टेंटली उसको 3 या 4 पे खिलाते आप, तो शायद
आपको जिस तरह एंड पे खेला है, यू कुड हैव वन यू मोर गेम्स, बट हफीज ऑब्वियसली इट्स अप टू हिम कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो ऐसे खेल सकता है और उस पैशन, उस हंगर के साथ और एंजॉय कर रहा है गेम को, तो ही कैन प्ले, ही कैन परफॉर्म। बट अगर उसको लगता है कि नहीं, होता है ना अंदर से आपको अंदाजा हो जाता कि मेरा इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं है, देन देर इज नो पॉइंट हैंगिंग अराउंड। और वो मुझे लगता है कि फीस तो वैसे डिसीजन खुद कर लेता होता है, पर आई थिंक वो बेहतर कुछ ना कुछ उसने सोचा ही होगा इस हवाले से। बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से कराची किंग्स की बात करते हैं, बिकॉज़ वक्त का मुकाबला सख्त। इमाम, कराची किंग्स, व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या ड्राफ्ट में ही गड़बड़ हो गई? ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रांग लग रही है टीम, जिस तरह के मैचेस कराची किंग्स ने खेले, फिनिशिंग टचेस नहीं आ सके, वरना बहुत सारे मैचेस ऐसे थे जो कराची किंग्स के मैचेस थे और उनके हाथ से दूसरी टीम्स ने घसीट लिया। सो कराची किंग्स में क्या देखते हैं, क्या फ्लॉ था? देखिए, हमने हमेशा बात की है कि टूर्नामेंट है और 6 की 6 टीमें जो है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि यार अच्छी टीम बनाएं जब आप ड्राफ्ट में जाते हैं, और यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट जब आप ड्राफ्ट पे जाते हैं। आपका कोर, आपकी कोशिश होती है, जो स्मार्ट टीम्स होती हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो जो उनके 6 से 7 प्लेयर्स हैं वो कहीं ना जाए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही आपने खेलना होता है। और कराची कुछ अनलकी भी रही है, लेकिन मुझे, मैंने काफ़ी पहले कहा था कि कराची का जो टॉप 3 है ना, वो उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लिक भी नहीं कर पाया और उन्होंने उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया कि आप देखें, जब आपने एक प्लेयर रखता है, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं शर्जील खान को खेलते हुए कराची में, अगर आपने उसको खिलाया, अगर आपने उसको पिक किया है, तो आपको उसको जो है, मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा चेंजेस के हक में नहीं होता जब आपके पास 8-9 मैचेस होते हैं। तो T20 में जब 1-2 फेलियर होते हैं ना, तो वो मैं उसको फेलियर कंसीडर नहीं करता। आप गेम है, आप खेलने जाते हैं, रोज़ आप अच्छा नहीं खेल सकते और आप रोज़ मैच नहीं जितवा सकते, लेकिन आपका ट्रस्ट जो है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए एज अ मैनेजमेंट से। तो शर्जील को मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जल्दी था। फिर उसके बाद आपने हैदर पे, आपने, मुझे ऐसा लगता है, प्लैटिनम में लेके आपने उस पर और प्रेशर डाल दिया, क्योंकि वो बेचारा जो था वो उस वक्त उसकी वो इतनी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, तो वो उस पर अपना भी एक फॉर्म का प्रेशर था। फिर जब आपने एक प्लेयर को प्लैटिनम में लेते, तो उसकी हाइप जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का उसको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी जो है वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई कि यार मैं प्लैटिनम में पिक हुआ हूँ। तो वो टॉप 3 आप देखें, 3 मैचों के बाद वो दोनों टॉप 3 जो है आपका चेंज हो गया, जो इन्होंने आपने सोचा हुआ था इनिशियल कि ये हमारा खेलेंगे, और 3 मैच के बाद आपने देखे ना हैदर अली खेले, ना जो है आपका, फिर आपको विंस के साथ मैथ्यू वेड कभी नजर आए, कभी आपको बाद आपको बीच में कुछ और चेंजेस नजर आए। तो इस वजह से जिस तरह थोड़ा बहुत क्वेटा का था, तो इनका भी ये था कि इन्होंने अभी तक इनको समझ नहीं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका, जहां से फिर भी इमाद वसीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके इनको बैटिंग में ऐसे टोटल दे दिए थे कि जिससे ये डिफेंड कर सकते थे, लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस के साथ पेस भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इन विकेट्स पे, स्पेशली जो इस साल की PSL हुई है, आप नहीं डिफेंड कर सकते। आपके पास एक ही बॉलर था जो थे मोहम्मद आमिर, और उन्होंने ही आपको जितने भी मैचेस हुए हैं वो बचाए, उसके अलावा ना इनके पास किसी बॉलर के बाद आप देखें पेस थी, और अगर पेस थी तो बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था कि हमने किस बॉल पे, किधर फील्ड पे, किधर खड़ी करनी है। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि कराची को थोड़ा सा था, और ऑब्वियसली अनलकी भी रहे हैं, कुछ मैचेस इनको जीतने चाहिए थे वो नहीं जीते, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट इनकी ज़रा इस दफ़ा फास्ट बॉलिंग खासतौर पर, फिर तब्रेज़ शमसी की, सॉरी मैं उसको भूल गया, कि तब्रेज़ शमसी जो थे इनको यूटिलाइज नहीं कर पाए। देखें, डिपेंड करता है कि जब आपने इतना, जो जिसका नाम हो T20 में और आपने उसको नहीं खिला रहे, वो बेहतर वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि वो एक विकेट टेकर है, और जब आपको मार पड़ रही होती है तो आप एक एक्सपेक्ट ये करते हो कि हमारा लेग स्पिनर हो गया, रिस्ट स्पिनर या चाइना मैन, ये आपको विकेट दिला सकते हैं। ये बेशक हो सकता है 40 रन ये कर जाएं, 40 में पड़ जाएं, लेकिन ये आपको 2 विकेट दिला देते हैं, वहाँ से मैच वापस आता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रिक हो गई, इनसे मिस नहीं हो गया कि ये तब्रेज़ शमसी को भी इनको, मुझे लगता है, अंडर यूटिलाइज किया। एंड आई थिंक एब्सोल्युटली इमाम स्पॉट ऑन, 4 मैचेस शमसी को खिलाएं, शमसी बोल्ड विद इकोनॉमी 6.43 in this very high scoring tournament. I mean, you really don't know. Iram, aap se bhi zara is pe hum comment lena chahenge. So, Karachi Kings ki agar hum baat kare to wo bhi PSL jeetne ke baad phir, I mean, this franchise has won only what 4 games in 20 pichle 2 mein, yani 16 unko jo hai na wo shikast ka samna karna pada hai. So, aap ki samajhti hain kuch drastic changes apne jo hai wo back end pe bhi karni padengi Karachi Kings ko in order to make a comeback?
जी बिल्कुल, जिस तरह इंजमाम भाई, मिसबा भाई ने, इमाम ने जिस तरह चीज़ें काफ़ी क्लियर कर दी हैं, क्योंकि ये ड्राफ्ट और प्लेटिनम, ये सारा कुछ जो भी क्राइटेरिया है ये तो इनको बेहतर पता है, क्योंकि ड्राफ्ट में मिसबा भाई भी बैठे हैं। लेकिन जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस जो चीज़ मैंने की है, मैं वही बात करूँगी लाहौर के अंदर। देखें, कोई भी जो प्लेयर है ना, वो इतना कह लें कि बुरा प्लेयर नहीं होता। मुझे लगता है कि सिस्टम जो है ना, वो प्लेयर को अच्छा और बुरा बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कराची और कोयटा दोनों के लिए यही चीज़ है कि उन्हें अपना थोड़ा सा सिस्टम बेहतर करना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने लोकल प्लेयर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। जब आपकी मेहनत हुई होगी ना उन पर, तो आपको एक सुकून होगा कि यार ये कभी ना कभी पे ऑफ होगा, ये करेंगे। क्योंकि लाहौर का सेम यही सीन है, उन्होंने अपने लोकल पे इतना इन्वेस्ट किया है, उन्होंने 6 साल बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं उनको देखती हूँ कि अगर वो कोई मैच हारे भी है ना, तो उन्हें वो बिल्कुल इजी होके बैठे हैं, उन्हें पता है कि कोई टेंशन नहीं। इतना उनकी मेहनत है, उनका प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पता है कि यार हम कम बैक स्ट्रॉन्गर करेंगे। तो कराची का बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अपना सिस्टम बेहतर करना होगा, और सेम वही चीज़ें इसमें कोयटा और कराची, देखें दोनों एक ही शहर की टीम्स लगती हैं कराची की, तो ये भी एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि इसमें आप कोई इकट्ठे कोई मैचेस खेल सकते हैं, कोई फॉर वन ईयर आप कह लें कोई कैंप्स लगा सकते हैं, कोई आप टीम का बाहर का कोई टूर करवा सकते हैं, जैसे लाहौर कलंदर करता है। तो ये चीज़ मैंने खुद देखी है, तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ये चीज़ भी हो सकती है। और एक अगर लाला होते तो शायद मज़ा आ जाता बात का। मुझे लगता है कि इनको अपने नाम भी बदल लेने चाहिए थोड़े थोड़े। ओहो, नाम भी बदल लेने चाहिए, मगर ये कि ऑफ सीजन एक्टिविटीज़ बिल्कुल एक सही चीज़ पिन पॉइंट की है हमने। इंजी भाई, जाते जाते वक्त का मुकाबला सख्त, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, अपने लोकल कोर पे शायद कराची किंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमने आखिरी मैच में मोहम्मद अखलाक को खेलते हुए देखा, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की, क्या पहले उनको इंट्रोड्यूस करा देते शायद बेहतरी हो जाती। आप क्या कहना है इंजी भाई इस पर? देखिए, लाहौर कराची की और किसी भी टीम की, हम लाहौर की अच्छी बॉलिंग की बात करते हैं ना जी, तो वो ऑलराउंडर्स पे नहीं बिलीव कर रहे। उनके पास जो शाहीन है या हारिस है, उस्मान है, ये जो भी है, ये प्रॉपर बॉलर्स हैं, या राशिद है, ये प्रॉपर बॉलर्स हैं। कराची में जो कराची का हुआ ना, जिस तरह अभी इमाम ने कहा कि जी सिर्फ एक आमिर था, कि एक एंड से आमिर आउट करता था, दूसरे एंड से ना आमिर जामीन बॉलिंग करता था जी। तो वो जितना भी इम्पैक्ट था ना, वो सारा खत्म हो जाता था। तो आप हमला दो एंड से कर ही नहीं सके। तो यहाँ ये सिलेक्शन में आपको बैठना पड़ेगा इस चीज पे कि आपके पास एटलीस्ट है ना, जो बॉल करने के लिए ना प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए, क्योंकि जी जो दूसरी टीम को आउट कर सके। मैंने पहले भी एक चीज कही थी, बैट्समैन है ना मैच जितवा सकते, टूर्नामेंट नहीं जितवा सकते, बॉलर्स टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। तो आपके पास है ना बॉलर्स ऐसे थे, फास्ट बॉलर्स ऐसे थे कि जो दूसरे गोरे भी इन्होंने बुला रखे थे, वो ऑलराउंडर्स थे। तो ऑलराउंडर्स से आप ना नहीं जीत सकते, स्पेशली जो ये पिचेस थी ना, इस पे आप नहीं जीत सकते। कितनी दफा आपके बैट्समैन 200 करेंगे, अगर आपके बॉलर्स हर रोज 200 करवा दे तो आप ना 200 नहीं कर सकते सारे टाइम। तो आपको कराची वालों को ये था, मैंने जिस टाइम पहले भी कहा था कि शमसी और इमरान ताहिर को खिलाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि ये रेगुलर बॉलर्स थे, कि ये आमिर के साथ जिस टाइम बॉलिंग करते तो ये विकेट लेके दे सकते थे, ये मैच जितवा सकते थे। हो सकता है कि इनको थोड़ी सी फेंटी पड़ जाती, मार पड़ जाती, लेकिन ये आपको जितवा सकते थे। लेकिन अगर आपने कई मैचेस में देखा होगा कि आखिरी ओवर आमिर जामीन कर रहे हैं, अच्छे क्रिकेटर होंगे, मैं उन मेरा ख्याल से कोई डिस्कनेक्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आमिर यामीन के हवाले से। जी मिसबा भाई, जी भाई, आपकी आवाज कट गई। जी जी, आमिर यामीन का जिक्र कर रहे थे आप। जी, तो मैंने ये जो सूरत हाल है ना, कि आपको प्रॉपर बॉलर्स के साथ खेलना पड़ेगा। आप है ना ये नहीं कर सकते कि ये थोड़ा सा बैट्समैन है, ये थोड़ा सा बॉलर है, इसके साथ आप कभी भी नहीं जीत सकते। तो फिर सारे टाइम यही रहेगा कि यार ये हो गया वो हो गया। अगर आपके पास बॉलिंग होगी, लाहौर कलंदर किस चीज पे जीतता है? अपनी बॉलिंग पे जीतता है, बैटिंग पे थोड़ी जीत। तो बॉलिंग पे जीत, जिसके पास भी बॉलिंग अच्छी होगी, जो बॉलिंग, ये मुल्तान जो फाइनल में दूसरा ये पहुंचा हुआ है ये प्लेऑफ्स में, ये किस लिए आया हुआ है? क्योंकि एहसानुल्लाह ने आउट किए बीच में, हम अब्बास की बात कर रहे हैं, उसने आउट किए हैं, और ये उसामा मीर ने आउट किए हैं, ये आउट टॉप बॉलर्स मुल्तान से हैं, जी सारे टॉप बॉलर्स तो, वरना ये कहते जी ये जितना भी स्कोर करते इनको चेज हो जाना था पीछे से। बिल्कुल, तो आपके पास बॉलर्स, कराची की जो मैं समझ आऊ, कराची के पास ऐसे बॉलर नहीं थे कि शमसी के अलावा या आमिर के अलावा, क्योंकि जी तीन बॉलर्स के मुश्किल हो जाता था बीच में इमाद वसीम के लिए, कि उसको मैनेज करना, क्योंकि जी मैं बीच में विकेट किस तरह लूं, और पिचेस इतनी फ्लैट थी
कि कोई भी एवरेज होती थी आप उसको कवर कर लेते थे। बिल्कुल, सो ऑल इन ऑल एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैटर्स विन यू मैचेस एंड बोलर्स विन यू टूर्नामेंट, सो यस बोलिंग पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। सो ये हमने सॉर्ट आउट किया। थैंक यू इंजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम इरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पे खत्म हो गया है जोर का जोड़ का, और एक आज हमने पूरा एनालाइज किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आई होप उनकी मैनेजमेंट ये शो देखे और हमारे एक्सपर्ट्स के इन एनालिसिस को जो है बड़ी पॉजिटिवली ले, और अगले यानी PSL सीजन 9 में हमें एक चेंज्ड कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स देखे। बट विद दैट सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।